हरे कृष्णा सभी श्रद्धालु स्वतागण भक्तगण को मेरा सादर प्रणाम आज श्री श्री रामानुजाचार्य के तिरुभावती थी इसलिए प्रभु जी की आज्ञा हुआ कि हम उनके जगन्नाथ मंदिर में श्री रामानुजाचार्य के चरित्र में कुछ चर्चा किया जाए तो उन्होंने आप लोग को सब सूचना दिया और आप लोग सभी सुनने के लिए इच्छुक हो के चयन किए हैं इसलिए मैं आपको सभी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और यहाँ पे प्रभु जी का घर में जो पूजित श्री श्री जगन्नाथ बड़देव सुभद्रा सुदर्शन निताई गौर सुंदर उनके आशीर्वाद भी ऑनलाइन आपको प्रार्थना करता हूँ आपके पास पहुँचे प्लस श्री रामानुजाचार्य के श्री चरण में हम प्रार्थना करते हैं और श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हैं कि उनके कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नम <coughs> तो जैसे हम जानते हैं ग्रंथ भागवत व्यक्त भागवत श्री रामानुजाचार्य केवल व्यक्ति भागवत नहीं थे तो साक्षात आचार्य भगवान राम के अनुज अंत शेष के अवतार थे होता मैं माता जी छुट करना तो ऐसे आज से लगभग हजारों साल पहले की बात है यस जब शंकर संक्रदाय का प्रादुर्भाव चल रहा था उस समय में दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य का जो कांचीपुर से थोड़ी दूर मद्रास और कंचपुर के बीच में श्री परबिंदुरकर के एक स्थान है वहीं पर प्रादुर्भाव हुआ था उनके पिताजी का नाम था आसुरी केशवाचार्य एक बड़े जागिंग ब्राह्मण थे और उनका विवाह हुआ था क्योंकि बचपन से बड़े कुलीन जागिंग ब्राह्मण थे उनका विवाह हुआ था इसे कहा गया कि तभी जमाने में श्री रंगनाथ क्षेत्र में पूरे दक्षिणार्थ में प्रसिद्ध अति उच्च कोटि के भक्त श्री यमुनाचार्य श्री यमुनाचार्य अलवंदार वो भी अलवार है यमुनाचार्य तो उनके एक शिष्य थे शैलपूर्ण शैलपूर्ण जो उन्होंने यमुनाचार्य से दिखा शिष्य ग्रहण करने के बाद अपने बानप्रस्थ समय के में त्याग करके उन्हें जमुनाचार्य के पास रहने लगे और सन्यास लेकर के वहीं रंगनाथ मठ में रहने लगे उनके दो बहन थे दो सिस्टर थे एक कांतिमती एक महादेवी तो वो दोनों सिस्टर जो शैडपुंड के सन्यास लेने के पहले उन्हें दो सिस्टर को विवाह दिए एक तो केशवाचार्य कांतिमती को के विवाह किए और जो महादेवी थे वो कमल नयन भट्ट श्रीपे मंदिर के पास में वहीं पे उनका विवाह हुआ था तो विवाह होने के बाद में संन्यास ले गए कि उनको क्योंकि पुत्र संतान नहीं हो रहा था कुछ वर्षों के बाद मलठ में और आश्री केशवाचार्य ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए अंततः उन्होंने आजकल जो चेन्नई है मद्रास उनके प्रसिद्ध एक दिव्य देशम जो सारथी मंदिर आप लोगों को देखा होगा बहुत प्राचीन सारथी मंदिर वहाँ पर जाकर यज्ञ किए पुत्र प्राप्त यज्ञ इस यज्ञ सफलता से संपन्न हुआ श्री सारथी भगवान प्रसन्न होकर के उनको स्वप्नादेश दिए कि मैं ही स्वयं आपको पुत्र रूप में प्रकट हूँ आप जाओ तो स्वयं भगवान ने अब उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए और इसी समय में उनका जो काीमती के दूसरा बहन महादेवी उनका भी एक पुत्र हुआ समय समय में तो ये शुभ खबर को सुन करके के उनके भाई संन्यास जी यमुनाचार्य के शिष्य शैलपूर्ण उन्हें वापस आए घर में उनको उनके सिस्टर से मिलने के लिए दोनों सिस्टर पास पास में थे तो उनसे मिल करके उनके पुत्र रतन को देख करके इतने शुभ लक्षण को पुत्रों के देख करके उनके संस्कार नामकरण चुड़ाकरण आदि वो किए थे और श्री रामानुज के जो रामानुज का नाम तो ना रामानुज दिए क्यों दिए कि उन्होंने देखे उनके लक्षण उनके गणन किए उनके जो शारीरिक लक्षण को देख करके उन्हें समझ गए कि नामा अलवार ने जो भविष्यवाणी किए थे कि अनंत शेष का इस कलयुग में प्रकट होगा भक्ति प्रचार के लिए वो वही यही है यही सोच करके उन्होंने उनका सारे लक्षण के हिसाब से उनका नाम श्री शेषावतार श्री रामानुज श्री लक्ष्मण के रूप में नाम दिया उनका राम अनुज करके और उन्होंने नामकरण समय ये भी कहा था कि जैसे श्री रामानुज लक्ष्मण का कर्तव्य प्रणायता परायणता उनके धर्मनिष्ठा उनके इष्ट निष्ठा श्री भगवान राम के प्रति इतने दृढ़ समर्पण था उनके हृदय में भगवान राम के अलावा और कुछ भी नहीं था सब कुछ ना तो उनके पिता माता पत्नी कुछ भी नहीं थे केवल श्री धाम श्री राम ही उनके हृदय के आराध्य ईश्वर थे लक्ष्मण के ऐसा अभी तक हम कोई पुरुष देखे नहीं जिनके एकमात्र निष्ठ केवल श्री राम के प्रति है रामचरण के बिना और कुछ नहीं उनके जीवन में एकमात्र ध्येय था तो इसे एकांतिक एकाग्र राम भक्त श्री रामानुज जिस प्रकार उन्होंने सीता जी को रक्षा करने के लिए अपने सर्वस्व जलना दे करके युद्ध करके राक्षस को हरा करके भगवान को साथ दिया था सीता जी को रक्षा करने में प्राप्त किया था तो इसी प्रकार ये रामानुजी भी वर्तमान जैसे ये कलयुग युग में जितने राजनेता हैं हम समाज में देखते हैं सब अपने अपने अहंकार और उन्मत्तता और अपने अज्ञानता के कारण लोगों के अंदर जो समर्पण धर्म जो ईश्वर भक्ति ईश्वर निष्ठा उसको सब छीन लिए हैं और सब भोग प्राण बना चुके हैं तो इस ईश्वर भक्ति नारायण के प्रति जो समर्पण जो भक्ति को उन्होंने तुरंत ही सितार जी सी सती तो यही सतीत्व तो है भगवान के प्रति आपने समर्पण करना ये भावना को उन्होंने युद्ध करके इस राक्षसी नेता के साथ वापस जो श्रद्धालु भक्तजन के हृदय में फिर शरणागति धर्म भगवान ईश्वर भक्ति को स्थापना करने के लिए सफल होंगे इसलिए ये रामानुज है इस प्रकार उन में इस प्रसंग में श्री यमुनाचार्य के एक प्रसंग कहना चाहूँगा श्री यमुनाचार्य जो तभी जमाने में अलवंदार थे सबसे प्रसिद्ध वैष्णव मंडल के पंडित थे इस रंग क्षेत्र में वही दक्षिणात्य वैष्णव मंडल के प्रधान मुकुटमणि माने जाते थे और श्री रामानुजाचार्य उन्हीं को ही शिष्य उन्हीं का शिष्य के रूप में माना जाते हैं यद्यपि उनसे दीक्षा नहीं ले पाए लेकिन कई से उनके संपर्क और कई से यमुनाचार्य अपने बचपन में अपने बुद्धिमता को प्रकट किया था उसके प्रसंग को मैं कहना चाहूँगा क्योंकि उसमें बहुत कुछ शिक्षाएँ हैं श्री यमुनाचार्य किसी मुनि के पुत्र थे श्रीनाथ मुनि बहुत बड़े वो भी श्री संप्रदाय के आचार्य थे लेकिन उन्होंने ब्राह्मण थे वो उनके पुत्र हुआ लेकिन उन्होंने पुत्र शिक्षित होने से पहले युवक होने से पहले उन्होंने परम पद प्राप्त कर गए तो इस प्रकार अवस्था में ब्राह्मण गरीब होते हैं तो यमुनाचार्य को अपने बचपन में पढ़ने के लिए एक भाष्याचार्य के स्कूल में जाना पड़ा तो भाष्याचार्य तो ब्राह्मण ऐसे दरिद्र होते हैं तो भाष्याचार्य को वहाँ जब जाके उन्होंने अध्ययन करते थे अब इतने उनके धी शक्ति था कि बहुत कम समय में संपूर्ण जो वेद वेदांत सब पढ़ करके हो गए उनके उम्र केवल बारह साल की था अभी वो अपने भाष्याचार्य की जो विद्यालय था उस विद्यालय में एक प्रधान श्रेष्ठ छात्र के रूप में परिगणित होते थे श्री यमुनाचार्य एक समय के, उसी समय की बात है उस समय दक्षिणात्य में पांडे राजा जो थे वो पूरे दक्षिणात्य के राजा थे पूरे जो चार स्टेट थे दक्षिण में उसी के एक छत्र राजा से पांडे नेरस थे तो उनका राजसभा में तभी पांडित्य के बहुत चर्चा होता था तो उनके राजसभा में एक बहुत बड़े पंडित थे जिनका आ, पूरे दक्षिणात्य में जितने बड़े बड़े पंडित थे सबको पराजय किए थे और सारे पंडितों के बीच में कोलाहल मचा दिए थे इसलिए उनके नाम था विद्युत जन कोलाहल राजसभा सर्व विजयी पंडित कोलाहल के रूप में पूरे दक्षिणात्य में प्रसिद्ध थे और राजा उनके विद्यता को देख करके उनके प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति रखते थे उनको बहुत मानते थे बहुत मानते थे अपने राजसभा के एक अलंकार के रूप में मानते थे उनको विद्यज विजय सी पंडित कोलाहड़ को और उन्होंने अपने पांडित्य के हार कारण राजा देखा कि उनके बड़ा अनुगत है उन्होंने राजा को कह करके सब युक्ति करता था तभी जमाना शास्त्रार्थ होता था शास्त्रार्थ करके बड़े बड़े पंडितों को हरा करके हराने के बाद अपने विजय घोषित करता था और अपने पांडित्य के महत्व को दिखाने के लिए उन्होंने राजा को बोल करके एक नया टैक्स लागू किया जैसे राजा क... सब टैक्स लेते हैं एक टैक्स है ना पंडिताई टैक्स जो पंडित हार गया तो उनको हर साल उनको कर चुकाना पड़ेगा एक कुड़ाहड़ को राज पंडित को और अगर कर चुकाएगा नहीं फिर जाकर जुक्ति करे साथ हराए नहीं तो टैक्स दे ये कंडीशन था तो ब्राह्मण बेचारे गरीब होते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं पठन पाठन कार्य वो फिर जो हार गई महा ना तो फिर राजा उनके बिल्कुल अनुगत है तो उनको जब विद्वत कर देना पड़ेगा अरे पंडित ये क्या कर हम खुद भी क्या मांग कर खाते ब्राह्मण लोग को उनको टैक्स कहाँ चुकाएंगे इसीलिए सारे ब्राह्मण पंडित बड़े दुखी थे राजा कैसा है उनके बात करा आप हमारे ऊपर कर एक्स्ट्रा कर लगा दिया हम कर देने के असमर्थ हैं कैसे कर देंगे इसलिए बड़े दुखी होते थे गाली देते थे लेकिन क्या करें राजा उनको अनुगत था और वो अहंकारी टैक्स कलेक्शन करता था इसी समय की एक घटना है श्री भाष्याचार्य का जो विद्यालय था भाष्याचार्य भी हार गए थे उनसे विद्यजन कोलाहल से तो उनको भी टैक्स देना पड़ता था लेकिन गरीब होने के धन के अभाव होने के कारण तीन साल से उनके पंडित टैक्स पंडित कर जवान कर नहीं पाए थे तो इसलिए भाष्याचार्य ने उनके एक शिष्य को भेजा था टैक्स कलेक्शन करने के उनको स्कूल से तो उसी दिन भाष्याचार्य ने किसी काम में सिरा जमुनाचार्य को स्कूल के दायित्व दे करके बाकी सब देखभाल करने के लिए वो कहीं बाहर गए थे कुछ काम में तो इसी समय में विद्यालय में आकर के घोड़ा में चढ़ करके उसके शिष्य आकर पहुंचा कोलाहल के शिष्य आकर बोला जमुनाचार्य बैठे थे आसन में बोला तुम्हारे गुरु कहाँ हैं तो जमुनाचार्य उसको सुने वो बारह साल का उम्र थे यंग बिल्कुल तो बोले इसे आकर पूछता है तुम्हारा गुरु क्या है तो उन्होंने बोले महाशय आप कहाँ से आए आपका नाम क्या है क्या आपके आने का कारण क्या है इसे भद्र से पूछा जोड़ करके तो वो तो इतने घमंडी था बोला क्या तू नहीं जानता ऐसे मुझे पूछता है तू क्या नहीं जानता कि इस संपूर्ण दक्षिणात्य में राजा के राजा जिसका अनुगत है सर्व विजयी कोलाहल को नहीं जानता वही कोलाहल के सबसे प्रतिभा में ही पंडित कोलाहल के महासौभाग्यशाली शिष्यमय हूँ और उन्होंने तेरा गुरु ने तीन साल से कर नहीं चुकाया इसीलिए मुझे भेजे हैं आपके गुरु से कर वसूल करने के लिए आपके गुरु का दिमाग ख़राब हो गया क्या उन्होंने कर नहीं चुकाया क्या मेरे गुरु से वो तर्क करना चाहते हैं क्या शास्त्रार्थ करें शास्त्रार्थ करने का क्या तो पहले तो हार गया था दोरा शास्त्रार्थ करेगा जैसे एक पतंग छोटी सी पतंगा और आग को देख करके कूद पड़ता है और वहीं जल मरता है तो इसी प्रकार ये पंडित मेरे गुरुजी के पांडित्य के सामने आत्मदाह करने के लिए क्या उनका इच्छा है क्या इसलिए टैक्स नहीं देता है छिप कर बैठता है कहाँ गया तो इस प्रकार से कहने लगा तो जमुनाचार्य को अपने गुरु जी का निंदा सुनना बड़े कटु लगा तो उन्हें तुरंत दोनों अंगुली अपने हाथ में कान में डाल करके कान में अंगुली डाल करके बड़े विकृत मुख करके बोले छी 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 आप ये क्या बात कह रहे हैं आप भी एक गुरु के शिष्य हैं मैं भी एक गुरु के शिष्य हूँ आप गुरु निंदा कैसे कर पाते हैं इससे मुझे पता चलता है आपके गुरु जरूर महामूर्ख होगा क्योंकि महामूर्ख किसी से महामूर्ख होता है तो आप जैसे मूर्ख शिष्य के गुरु अवश्य मूर्ख का कहना फले ना परिचय कि फल को खा कर हमें वृक्ष के गुण को जान सकते हैं इससे मुझे पता चलता है इतने घमंडी जिसे बात करना भी नहीं आता ऐसे शिष्य के गुरु अवश्य भी महाघमंडी होगा जरूर पंडित एट्यास लगाता है तो तुम क्या मेरे गुरुजी कुछ चुनौती देता है आकर के मैं घोषणा करके तेरे सामने कहता हूँ जैसे कोई एक घास के तिनका पड़ा हुआ है क्यों घास के तिनका को उड़ाने के लिए कोई महाप्रबल आंधी तूफान को कोई चुनौती देता है क्या ये मूर्खता है इसे चुनौती देना अरे कोई सियार को भगाने के लिए सिंह को शेर को बुलाना पड़ता है क्या तो ऐसे तेरे गुरुजी जी विद्वज्जन कोलाहल को जो राजा को अनुगत करके रखा है तो उसको हराने के लिए मेरे सर्वसाध्य शिरोमणि मेरे गुरुजी को क्यों जाना पड़ेगा मैं उनके अति खिद्रात खिद्र शिष्य हूँ मैं ही बहुत हूँ उनको इतने बड़ाना क्या इतने बड़े आदमी को क्यों बुलाना ज़रूरी है जब ऐसे कहे कि उनको गुरुदा अच्छा ना बुरा लगा तो इसलिए ऐसे कहे जब ऐसे कहे उसको सुन कर जो कोलाहल का शिष्य था वो इतने गुस्सा हो गया और कुछ बात करें पूरा लाल पड़ गया कांपने लगा कह करके घोड़ा छोड़कर चला बोला वो जाकर बोला कि जाओ तुम्हारे गुरु जी को बताओ अगर वो युक्ति करना चाहते हैं मैं तैयार हूँ युक्ति करने के लिए मेरे गुरु जी क्या है उनके लिए सियार को भगाने के लिए शेर की क्या जरूरत है अरे बाप रे बाप इतने बड़ी गुरु जी के प्रति बात सुन करके कोलाहल के शिष्य ने गया जा करके पूरा पहुंचा राजसभा में राजसभा में राजा आगरा बैठे थे और बाकी सर सभाजन पंडित बैठे थे मंत्री परिषद उनके सामने कोलाहल के सामने बिल्कुल कांपते हुए क्योंकि इतने गुस्से में था कांप रहा था लाल पड़ा अमल सारे बात कह दिया और मिला मिला करके तो उसको सुन कर राजसभा पंडित बोले अरे पंडित पूछा बोले कैसा लड़का ना बारह बारह साल का लड़का है वो हंसने लगे ठो ठोकर अरे बाकी सुभाष से तो बोले शायद उसका दिमाग खराब पागल हुआ होगा अब पता क्या कि उसका मेंटल है कि सही है ना लगता तो अच्छा तो था व्यवहार न नहीं तो कोलाहल ने हंस करके बोला महाराज पांडे नरेश के प्रणाम इस प्रकार मूर्खता को मूर्खों की मूर्खता को ज़्यादा समय सहन करना नहीं चाहिए उसे उचित दंड उचित सजा देना चाहिए अगर उन्होंने सचमुच तो राजा ने बोला हाँ हाँ उचित है अगर उस ध्रुत बालक ने अगर आप जैसे सर्व विजयी राज पंडित को तर्क करना चाहता है तो आए तो हाँ हाँ भजा तो एक दूसरे राजदूत को भेजा जाएगा राजदूत आया घोड़े में चढ़ करके अब इसी बीच में क्या हुआ वो राजदूत अगर पहुँचा तो पता नहीं था रामाणी पटे तो राजदूत जल्दी से आया पहुँचा कि तुमने इसी से किया और राजा ने बुला रहा है आपको पंडित के साथ सार्थ करने के लिए तो जामुनाचार्य ने हाथ जोड़ करके कहे मैं अवश्य तैयार हूँ निश्चित रूप से मैं तैयार हूँ आपके राज पंडित से तर्क करने के लिए लेकिन राजाज्ञा को मैं अवमानना नहीं करना चाहता हूँ लेकिन राजा पढ़ने ने उसको जाकर मेरे बताइए मेरा प्रणाम बताइए और ये बताए कि कि मुझे उनके राजसभा के श्रेष्ठ राज पंडित के साथ युक्ति करना है शास्त्रार्थ करना है तो मुझे भी एक पंडित के सम्मान के साथ बुलाना चाहिए ना कि चपरासी भेज दे में चला जाए अगर वो चाहते हैं तो राज पंडित वहीं आए हमारे ऐसी विद्यालय में तर्क हो जाए नहीं तो सम्मान के साथ मुझे राज्यसभा में बुलाए मैं वहीं पर तर्क करूँगा तो राजदूत भी समझ नहीं पाए वो जा के राज्यसभा में वो बताया कि ये तो बालक ने ऐसा बता रहा है तो बहुत राज्यसभा में पंडितों के अंदर चर्चा हुआ राजा के अंदर भी चर्चा हुआ बोले हाँ बात तो सही कह रहा है अगर राज पंडित के साथ युक्ति करेगा तो राज पंडित के सम्मान के योग्य बैठना चाहिए ना कंटेस्ट शुड भी सिमिलैरिटी होना चाहिए ना समान समान समकक्ष होना चाहिए तो उनको हम स्टूडेंट बांध करके महाराज पंडित के साथ कैसे जुक्ति कराएंगे तो क्या करेंगे उनको तो बुला मैं नहीं जाऊँगा उसके स्कूल में वो उनका गुरु जी मेरा हारा शिष्य है हारा हुआ शिष्य है उनको मैं क्या जाऊँगा तो फिर यही डिसाइड किया गया राजा ने बोला ठीक है उनको स सम्मान में लाते हैं राज दरबार में वहीं उनका शास्त्रार्थ होगा और निश्चित तो हरेगा तो उसको उचित दंडित किया जाएगा ताकि दुनिया में राज में राज्य में सबको पता चले ऐसे अहंकारी मूर्खता के कारण जो राज पंडित को सुहा पंडित को चुनौती देता है उसका क्या परिणाम होता है तो इसलिए सौ प्रहरियों के साथ सौ सौ कॉन्स्टेबल प्रहरियों के साथ और हाथी घोड़ा और चांदी के पालकी भेज दिया गया प्रशासन के साथ कि जाओ उनको लेकर के आओ और ये बात पूरे राज्य में से फैल गया कि एक बारह साल के लड़का स्टूडेंट भाष्याचार्य के स्कूल का ये दक्षिणात्य महाराज पांडे नरेश का राज पंडित कोलाहल को, को चैलेंज किया है शास्त्रार्थ करने के लिए और जितने पूरे राज्य में चारों स्टेट में जितने बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित थे वो सब सुन करके अचंभित हो गए क्या हो गया जब बारह लड़का को हम कितने से हराने से सब हार कर टैक्स देते हैं अगर भगवान करे वो हरा दे तो हमारा कर चुकना कर देना बंद हो जाएगा हमारा जितने जाप तप साधन और जो भी पवित्रता है हम उसको सब वरदान देना चाहते हैं आशीर्वाद देना चाहते हैं उनके नाम से हम ठाकुर जी की पूजा करेंगे वो उनको हरा दे तो अच्छा हो शायद कई हरा सके इस प्रकार से मनोकामना उनको शुभ आशीर्वाद देने लगे इस बीच में भाष्याचार्य उनके विद्यालय में आ चुके थे जब आ करके सुने की ऐसा घटना हो चुका है वो तो बोले कि मैं जानता हूँ पांडे नरेश कितने निष्ठुर है और ये राजा पंडित कितना अहंकारी है और मुझे हरा दिया था Sorry, तो निश्चित रूप से मेरा मृत्यु होगा राजा ने उनको हराएगा मुझे पकड़ कर मुझे शिष्याकरण मुझे मार डालेगा ऐसे आपने भावी मृत्यु को सोच करके और इस प्रकार के उदंडता को देख करके आपने शिष्य यमुनाचार्य ने इसे क्यों द्रुत व्यवहार किया कुड़ के साथ और राजाज्ञा के साथ वो भय के कारण मूर्छित हुए कौन भाषाचार्य ने जीचार्य गुरु तो भाष्याचार्य ने गुरु जी को प्रण करके उनको चेत कराया बोला गुरु जी आप चिंता मत कीजिए मैं आपके लिए जीवन जलांजलि देने के लिए तैयार हूँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए केवल आप ही नहीं जितने बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण से दरिद्र होते हैं सभी का मान रक्षा करने के लिए सभी का आशीर्वाद से मैं इस अहंकारी राज पंडित कोलाहाड़ को मैं परास्त करूंगा आप चिंता मत कीजिए मैं निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से परास्त कर डालूंगा ना कैसे कोई नहीं मैं आप विश्वास कीजिए आप कोई भगवत मत कीजिए आप रहिए मैं जा रहा हूँ तो यही बातचीत गुरु शिष्य में हो रहा था इतने में राजदरबारी पंडित आकर पहुँचे मतलब एक सौ प्रहरियों के साथ हाथी घोड़ा और चांदी के पलके आकर पहुँचा विद्यालय के सामने और उन्होंने गुरुचरण को प्रणाम करके उनके चरण स्पर्श करके पलक में चढ़ गए जमुनाचार्य बारह साल के लड़का रास्ता में जब जा रहे थे प्रशासन होते हुए लाखों लाखों आवाड़ वृद्ध वनिता सब आकर रास्ते में जुटने लगे देखने लगे ये बालक राज पंडित को चैलेंज किया कौन है बालक सुन सुन करके सब आकर देखने जो देखते हैं इतने सुंदर बालक बड़े सौम्य बालक तो सभी उनका भरपूर आशीर्वाद देते थे बेटा सच अगर भगवान सच में है धर्म सत्य में है तो तेरा विजय हो ये महाअहंकारी निष्ठुर का पराजय हो लेकिन क्या सच में होगा ऐसा क्या सच में होगा देखते हैं क्या होगा तू तो उनके साथ चल पड़े लाखों पंडित ब्राह्मण नर नारी उनके पीछे प्रशिक्षण के पीछे हुआ तो इधर पांडे राजसभा में सारे राजसभा मंत्री परिषद पंडित राजा रानी कोलाहार सब बैठ कर अपेक्षा करें आएगा आज तो ऐसे चखाऊंगा आज ऐसे करूंगा उनका प्लानिंग चल रहा है तो राजा और रानी दोनों तरफ दोनों उन्होंने जो टेरिस के ऊपर चढ़ गए राजमहल के जो चंद्र महल होता है जहाँ चंद्र दशम इस महल में जाकर दूर से देखते थे लड़का है कैसा इतने हंग लड़ देखें कि बिल्कुल प्रशिक्षण के साथ सा, चांदी के पालकी में बैठ करके हाथी हाथियों में चढ़ कर के आता है दूर से रानी महारानी लड़का को देख करके उनको इतने अच्छा लगे रानी साहब बोलने लगे महाराज आप भले कुछ भी कहे मुझे तो ये लगता है ये जो बालक उदित सूर्य की तरह लगता है ये निश्चित रूप से अब राज पंडित परास्त कर देगा तो राजा ने मुस्कोला अरे रानी तू स्त्री है तेरा बुद्धि क्या है तू नहीं जानता मेरे राज पंडित कोलाहल का कितने गहन ज्ञान है कितने गंभीर उनका समझ है तो उनके सामने तो पूरे दक्षिणात्य प्रदेश में कोई पंडित टिक नहीं सका ये लड़का आ रहा है कम उम्र का ये जैसे पतिंगा जल जाता तो ऐसे जल जाएगा ऐसे नष्ट हो जाएगा अपना ख़त्म कर देगा देखना उनके साथ टिक नहीं पाएगा उनके क्या है तो रानी बोला महाराज आप जो yes. कुछ कहें मेरे तो बिल्कुल मन कहता है कि उन्होंने आपके पंडित को हरा ही देगा हरा करके जैसे साम्राज्य में अंधकार को हटा कर उदिति रवि अपने प्रकाश को आभाव को प्रकट कराता है इस प्रकार उनके महिमा उनके ज्ञान चारों तरफ से प्रकाशित होगा सले स्टॉप दे आर स्टिल इन द लाइफ ओके तो मुझे यही लगता है तो राजा ने बोला अरे स्त्री बुद्धि रानी तू क्या ऐसे कर रहा है हमारे राज पंडित को तो हिन्न समझ रहा है इस साधारण बालक अहंकारी मूड को ऐसे समझ रहा है रानी बोले महाराज अब जो भी कुछ कहिए मेरा मन की बात में कह रहा मुझे तो लगता है सत प्रतिशत यही होगा तो क्या चैलेंज है अगर वो मेरा राज पंडित हार जाए अगर वो लड़का जीत जाए तो आप बोलते हैं कि लड़का जीत जाएगा मैं बोलता हूँ लड़का हारेगा तो क्या चैलेंज है आपका तो महारानी और राजा दोनों ही चैलेंज में आ गए चैलेंज आकर महारानी बोले हे hey महाराज आप अगर मेरे साथ चैलेंज रखना चाहते हैं मैं भी पूर्ण अपने अनुभव के साथ अपने पूरे विश्वास के साथ चैलेंज रखती हूँ कि अगर वो लड़का हार जाए आपके राज पंडित के सामने शास्त्रार्थ में तो मैं आजीवन तक आपके कृतदासी के कृतदासी बन जाऊँगा आपके जो महंतरानी होता ना जो सफाई करने वाली उनके भी दासी बन जाऊंगी तो राजा ने सुन अरे मुगधे रानी तू क्या कह दिया इतने बड़े चैलेंज रख लिया अरे रे, रे रे बहुत अह बहुत हैवी चैलेंज ऐसा तो मैं भी कुछ कम है ना आप क्या चैलेंज रखें ना मैं चैलेंज रखता हूँ अगर ये लड़का जीत गया मेरा राजा बने तो कभी तो जीत नहीं सकता निश्चित रूप से लेकिन फिर भी अगर जीत गया तो मेरे राज्य का आधा राज्य उसको दे दूँगा राजा बना दूँगा अरे आप भी इतना बड़ा ना और क्या तू जैसा क्या मैं भी ऐसे करता हूँ चैलेंज तो दोनों को चैलेंज करे इतने में प्रशासन आकर के दरबार पहुँचा मुख्य गेट पर तो सभी लोग गए उनको देखने के लिए वो तो लाखों लोग ऑलरेडी जम गए थे पूरे स्टेडियम फूल जोगे था वो राज भवन में नहीं हुआ स्टेडियम बुक किया गया ओपन स्टेडियम जहाँ पर लाखों लोग बैठे फिर सब बैठ कर के देख रहे थे और बिल्कुल मुख्य आसन के उन्होंने बता दिया कि राज मर्यादा के अनुसार युक्ति होना चाहिए तो कोलाहल बिल्कुल विशाल दिग्विजय राज आसन पर बैठा है सिंहासन पर उनके सामने एक प्रतिपक्षी आसन रखा गया था चारों तरफ लाखों पंडित ब्राह्मण राज दरबार मंत्री परिषद सब बैठे हुए हैं राजा रानी मुख्य सिंह आसन पर बैठे हुए हैं सामने तो उनके सामने सब का अभिवादन वो बालक यमुनाचर्य उतरे राजा रानी को अभिवादन किए सभी पंडित गौण को अभिवादन किए अपने आसन में बैठे जैसे बैठे पंडित कोलाहल ने राजपण्डित कोलाहल ने उसको देख करके जैसे किसी कोई गिनती नहीं इसे हंसने लगा देख करके हाँ आपने अहंकार ये आया क्या बात करेगा बच्चा है ना तो कद भी छोटा है बपू भी छोटा है और उम्र भी छोटा है मेरे साथ गुप्ति करने आ गया है पागल कहीं के तो इतने में तो दोनों सामना सनी हो गए सब शांत तो हो गए आदेश प्राप्त तो हो गया कि शास्त्रार्थ किया जाए तो उन्होंने पूछे पूछो हाल ने पूछा पूछो क्योंकि पंडितों के जर कंटेस्ट होता है ना ये नहीं कोई चाहेगा कि मैं पहले क्वेश्चन नहीं पूछूँ नहीं मैं सर्वविजयी हूँ मैं कोई हारना थोड़ी तू जान तू ही पूछो मैं क्यों पूछूँ तुझे कम है तो तू ही पूछो तो इस प्रकार से वो जो बोला पूछो वो बालक ने बोले कि देखो मैं आपसे से करना करने आया आप मेरे परीक्षा लेने के लिए चैलेंज किए हैं तो आप ही पूछिए ना उचित हो अच्छा ठीक है मैं पूछता हूँ देखता हूँ तरह तो उन्होंने पूछा व्याकरण और अमर को उससे कुछ प्रश्न उनको पूछा तो उनको आसान से उत्तर दे दिया और कुछ कठिन प्रश्न पूछा उनके भी उत्तर दे दिए तो इसको उत्तर देने के बाद जमुना चतरे बोले मुझे लगता है कि आपने महाशय ने मुझे मेरा बपू के हिसाब से और उम्र के हिसाब से देख करके मुझे तुच्छ प्रश्न जान करके ये सरल प्रश्न पूछ रहे हैं मैं अनुमान करता हूँ कि मैं तो सोचा था कि महाशय बहुत बड़े पंडित होंगे लेकिन अभी मुझे लगता है कि आप जब आप शरीर के आकार के की दृष्टि से पंडिताई की गणना करते हैं तो तो मैं तो ये कहूँगा कि आपके शरीर की तुलना से हमारे जो बहुत बड़ा वृषभ सांड है वो आपसे बहुत मोटा तगड़ा है तो सांड भी आपसे ज़्यादा पंडित होगा <laughs> सांड या बहस वो भी आपसे ज़्यादा पंडित होगा उसको सुन करके गुस्सा हो होगा ऐसा कह रहा है तो मुझे ना क्षमा करे आप क्योंकि मुझे छोटा उम्र देख करके के छोटा साइज देख करके इसे है ज्ञान करते हैं ऐसा नहीं तू क्या पूछना है पूछ मैं पूछ लिया चल तू बालक तू अब तेरा बारी है तो जमुनाचार्य ने बालक था सब सुहामंडली बज गया जैसे उन्होंने इस प्रकार कहा जमुनाचार्य ने बोले क्षमा करे मैं आपसे आयु में छोटा हूँ और बफू में भी छोटे हूँ और रात से पहली बार आया हूँ मैं तो एक खिद्र बालक हूँ मेरे शिष्य के खिद्र आते खिद्र मैं गुरु जी के शिष्य हूँ लेकिन सबके आशीर्वाद को कामना करके मैं आपको पूछना चाहता हूँ मैं कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं करूँगा आप मुझे इतने व्याकरण अमर को प्रश्न मैं इसे नहीं करूँगा मैं केवल तीन ही प्रश्न रखूँगा तीन प्रश्न रखूँगा और सभी के सामने मैं स्पष्ट कह रहा हूँ तीन मत मैं कहूँगा उसको आपको खंडन करना होगा खंडन जानते क्या कहते हैं पहले ज़माने में खंडन मंडन होता था मैं जो स्टेटमेंट बोलूँगा यू हैव टू प्रूव इट दिस इज झूठा उसको प्रूव कर देगा कि वो गलत है और मंडन करने उसको सपोर्ट करना तो यू हैव टू तो प्रूव इट इज़ रॉन्ग अब रॉन्ग मैं जो स्टेटमेंट दूंगा उसको रॉन्ग प्रमाणित करना होगा देश लिए खंडन तो मुझे खंडन करना मेरे स्टेटमेंट को खंडन करना है मेरा तीन मत है वो उसको सुन करके खुश हो गया अरे बोलो बोलो जल्दी क्यों टाइम खराब करता है बाढ़ करता है बोलो क्या है तो उनके तरफ के राज परिषद सब उनको चेयर करते थे तो यमुना आचार्य ने बालक ने हाथ जोड़ बोला वो सब शांत रहिए सुनिए मेरा माता मत मैं कोई सिंपल मत कहता हूँ अगर राज पंडित महाशय ने उसको खंडन कर दे तो मैं हार मान करके जो दंडन है मैं स्वीकार करूँगा मेरे तीन मत से प्रथम मत है जिसको आप खंडन करने के लिए प्रयास कीजिए मेरा पहले कहना है कि हे महाशय राज पंडित कोलाहल आपके माताश्री बंध्या नहीं है उसको खंडन कीजिए समझ गए ना आपके माता जी बंधिया नहीं है बंधिया जानते हैं ना बंधिया मतलब जिसके संतान नहीं होते उसको बंधिया कहते हैं ब्यारे नो मैन योर मदर इज नॉट ए ब्यार नो मैन सो यू हैव टू प्रूव माई मदर इज ब्यार हाउ यू आर ही सन समझ में आ रहा है ना कि मा, मेरा माँ बंध्या नहीं है इस स्टेटमेंट है उसको प्रमाण करना हो कि मेरा माँ बंध्या है तो मैं इसे पुत्र हूँ मैं कैसे बोलूंगा मेरी माँ को बंध्या करके तो उस मत को इस प्रश्न को सुन करके राज पंडित कोलाहल बिलबिला उठा चिल्ला उठा बोले अरे पागल लड़का ये क्या मुझे पूछ रहा है मैं कैसे मेरे माता श्री को सभा भवन में इतने लोगों के सामने बोलूँगा कि मेरे माँ पुत्र ही नहीं बंध्या है बांझ है कैसे बोलूँगा मैंने ये क्या बोल रहा है ये कुछ षड्यंत्र कर रहा है लग रहा है अब तो कुछ बोला नहीं जाएगा तो इस क्या करूँ मौन रहेगा उचित होना तो कुछ बोल नहीं रहा अब मुझ समझ और बोल ही नहीं पाएगा तो कुछ लोग थे लेकिन अंदर अंदर गुस्सा हो रहा था अपने भाव को छिपा करके रखा कि राजा रानी के सामने सभा के सामने इसे कैसे बोलूँ तो जब चुप रहे कुछ समय तो को बोले महाशय कुछ बुराना मानिए ठीक है।, है आप बाद में सोच कर बताना नहीं तो मेरा समझ ना क्या और पूछना है ये असंभव प्रश्न करता है न मैं, मैं दूसरे प्रश्न रखता हूँ अब देखिए पहले पता नहीं दूसरे को शायद खंडन कर लेंगे ये कोई खंडन में दूसरा मत है हमारे पूज्य श्री पांड्या नरेश महाराज ये महान धर्मज्ञ सम्राट है ये को खंडन कीजिए ये धर्मपरायण राजा है इसको खंडन करना मतलब हमारे राजा के सामने बैठे वो अधर्म प्राणी यही प्रमुख करना होगा राजा के सामने बोलेगा राजा उनका इतने सहानुभूति करते अनुगत्य उसको बोलेगा है कैसी राजभक्ति बोलेगा कि अधर्मी राजा है तो राजा उनको सुना देगा भाई मर्डर अडर तो तो बोला अरे ये तो महा षड है वो मेरा सर्वनाश करने के लिए आया है ऐसा लगता है और मन में ऐसा सोचा वो क्या करेंगे पूरा बिल्कुल तिल मिला उठा इसी प्रश्न को दूसरा प्रश्न को सुनकर वो कुछ नहीं बोल पाया उसको बोला नहीं जाएगा उसे खंडन किया नहीं जा सकता तो गुस्सा होकर के उनका मुख से गुस्सा और उनको प्रकट आ रहा था बिल्कुल छिपा रहा था गुस्सापन को लाल पड़ चुका था दांत दानी चुबा रहा था गुस्सा मार ये बालक मेरा सत्यानाश करने आया है यही सब प्रश्न पूछ रहा है राजा रानी के सामने अब बोले महाशय बुरा मत मानिए मैं तीसरा प्रश्न रखता हूँ शायद तीसरा प्रश्न को खंडन कर दें ना बोलो तीसरा प्रश्न क्या है मेरे तीसरा मता है कि हमारे सामने सिंहासन में आसिन रमणी कुल शिरोमणि हमारे महारानी ए, सती सावित्री की तरह सती साध्वी है उस स्टेटमेंट को खंडन कीजिए मतलब हमारे महारानी को असती कर प्रमाणन करना होगा मैं बोल दिया है कि सती सावित्री की तरह साध्वी है आप सुख खंडन करें, करें काटेंगे और ही उसको सुनकर तो गुस्सा में खड़े हो गया हरी सर्वनासी षडंत्री बालक तू ऐसे ऐसे कपट प्रश्न मुझे पूछ रहा है असंभव जिसको कोई राजभक्त कभी अपने सामने बैठे हुए राजा रानी के कैसे प्रमाण करेगा असती है अधर्म परायण है मेरे माँ को बदना कैसे कह सकता ये क्या कटु प्रश्न कपट बात तुझे कर रहा है असंभव है अब ये मत सोचो कि तू मुझे हरा दिया करके ये चाटुकारी प्रश्न पूछ करके चालाकी करके मेरे साथ जीत नहीं सकता अभी मैं तुझे टाइम देता हूँ अभी इस तेरे जी मत को तू यदि खंडन नहीं कर पाया तो पांडे नरस के सामने तुझे प्राणदंड दिया जाएगा अरे चारों तरफ से लोग जो उनके सपोर्टर थे राजा सपोटर सोताली बजाए अरे अरे कुछ लोग जो पंडित थे ब्राह्मण बोले तो हार उसका तो कोई क्या जवाब दे कैसे खंडन करेगा वो तुम्हारा जाएगा लेकिन थोड़ी समय के बाद उन्होंने यमुनाचार्य ने सब बोला सब शांत हो जाए शांत हो जाए मेरा राजा रानी के चरण प्रणाम करके और हमारे महाशय के सामने प्रतिज्ञा करके बोलता हूँ अगर मैं इस तीन मत को खंडन नहीं कर पाऊँ तो मुझे दंड दिया जाए और राजा जी अगर मैं खंडन कर दूँ तो आप विचारक मंडली मेरे से पराजित पंडित को अब क्या कैसे दंड देना चाहते आप ही विचार करेंगे मैं नहीं करूँगा तो कह करके <laughs> तो उनने सबको प्रणाम करके उनका अंदर कोई घमंड नहीं था जमनाच रहे छोटे बाड़क थे भाव से बोले कि देखिए महाशय सुनिए शांत भाव से मेरा प्रथम मत था कि आपके माताश्री बंध्या नहीं है शास्त्र मत के अनुसार एक पुत्र बंध्या होता जिनके एक ही संतान हो तो उनको अपुत्रिक माना गया मनुस्मृति के अनुसार तो आप अपने से केवल एकमात्र संतान है और कोई संतान नहीं है तो यद्यपि आपके माताश्री इतने सौभाग्य श्रीमणि आप जिसे महापंडित दिग्विजय राग पंडित राज पंडित को जन्म दिए हैं लेकिन फिर भी अब एकमात्र उनके संतान होने के कारण उनको बांझ माना जाएगा शास्त्र के हिसाब से अब बोलिए शास्त्र में वचन है कि नहीं सब बोले हाँ है तो है एक पुत्र बंध्या भवती तो हो गया पहला मत खंडन द्वितीय मत है मेरा कि हमारे महाराज श्री महाधर्म महाधर्मपरायण धर्मशील राजा है निश्चित रूप से मैं उसको इसी प्रकार खंडन करना चाहूँगा क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार जो राजा होते हैं उन्होंने प्रजाओं के वन सिक्सथ एक षठ अंश कर्म फल को ग्रहण करते हैं राजाओं के धर्म होता है और आजकल कलिजुग में त्रिपाद धर्म तो नष्ट हो चुका है धर्म के तीन सैंठ परसेंट जा चुका है एक पैर है वो भी ना के बराबर है तो प्राय प्रजा तो अधर्मी है पापाचारी है कोई नियम उल्लंघन करने वाले है तो इस प्रकार अधम प्रणा राजाओं के प्रजाओं के राजा होने के नाते यद्यपि हमारा राजा विशेष धर्मपरायण है लेकिन इस अधर्मी प्रजाओं के राजा होने के नात नाते ये धर्म लाख लाख प्रजाओं के जो पाप और अन्य अनाचार और अधर्म है उन्हीं का एक एक शिष्टांश को ग्रहण करके उनके भार को ग्रहण करके हमारा राजा इस अशेष अधर्म के भार को ग्रहण करते हैं यद्यपि स्वयं महाधर्मपरायण है लेकिन प्रजाओं के अधर्म से अधर्म परायण को लोड लेना पड़ता है धर्म भार अधर्म के भार को ग्रहण करना पड़ा है इसीलिए ये प्रमाण करता हूँ कि क्योंकि प्रजा लोग इतने धर्मशील नहीं है इसीलिए राजा को ये धर्म उठाना पड़ता है अधर्म के बोझ उठाना पड़ता है इसीलिए हमारा महाराज धर्मशील होते हुए भी अधर्म माना जाता है अधर्मी माने जाते हैं सब ताली बजा वहाँ बिल्कुल सही है राजा बोला यस दैट्स फैक्ट तो तीसरा मता था रानी हमारे महारानी सती साध्वी है रामणी तो रामणी तो बोले यो कैसे बोले देखिए हमारे महारानी जब राजा जी को शादी किए तो केवल राजा को शादी नहीं किए शास्त्र के अनुसार राजा लोकपालों के रिप्रेजेंटेटिव है प्रतिनिधि है अग्नि सूर्य वायु इंद्र चंद्र वरुण जमा कुबेर ये आठ लोकपाल होते हैं ये आठ लोकपाल के प्रतिनिधि राजा होते हैं तो जब किसी राजा किसी ने राजा को शादी कर रहा है मतलब लोकपाल के प्रतिनिधि वो होते हैं तो हमारे महारानी केवल महाराज पंडन ने इसके महारानी नहीं है उन्होंने ये इंद्र चंद्र वरुणा सूर्य अग्नि वायु इन सभी के भी पत्नी माने जाएंगे इस सब महादेव लोकपाल में पत्नी माने जाएंगे और रानी खुश वाह 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 नाइस सबने खुश बोले वाह ताली बजने लगा लाखों लोगों के ताली जय जय घोष होने लगा आप तो तीनों को खंडन कर दिया उन्होंने और ये उनका तो चुकम्बर निकल गया था सामने बैठा था महापंडित कोला हल्का उनका पूरा अहंकार नाश हुआ तो पूरा बल फ्यूज हो गया था उसका बिल्कुल फ्यूज बल के तरह वो काला पड़ चुका था काला पीला हो चुका था लाल से अब क्या कहेगा सब होकार ताली बज गया राजा ने सब कहा राजा ने उठकर रानी राजा उठकर आके आलिंगन किए उसको राजा बोला मान गया मान गया रानी तूने जीत लिया मैंने अभी भी आधा राज्य घोषणा करता हूँ सबके सामने देने के लिए रानी बोला तो आप क्या चाहते हो बालक राजा ने उसको अनिंगन देख कर कहा तू विजयी है मैं कभी सोच भी नहीं सकता तू अब ऐसा होगा ये अहंकारी राज पंडित जिनके लिए मैं अनुगत होकर इतने दिन अंधा उनके अहंकार के फंसा हुआ था आज तू मुझे आँख खुला मैं तुझे समर्पण करता हूँ राज पंडित तू चाहे उसको मृत्युदंड दो या जो कुछ करना चाहो तेरे अंदर है तुझ क्या करना चाहते बताओ मैं नहीं लेना चाहते हूँ उनका दंड के दायित्व वो खड़े होकर हाथ जोड़ के बोला महाराज आपके मैं कृतज्ञ हूँ आपने सही ज्ञान को स्वीकार किए सही विचार दिए पंडित जी पंडित तो हैं सर्वशास्त्र ज्ञानी हैं लेकिन ज्ञान के मुख्य लक्ष्य होता ज्ञानम ददाति विनयम उनके अंदर विनयता नहीं है अहंकार आ चुका था ये शास्त्र के अपोजिट ले करके उनको सही उपयोग न करके अहंकार से उनको बढ़ाया था ये अज्ञान को देखे थे इसी कारण मैं उनको एक और चांस देना चाहूँगा कि उनको सुधार दे इस अज्ञान को नहीं छोड़ करके सही ज्ञान प्राप्त करके विनय प्राप्त करें और आपने ये चला मैं उनको प्राणदंड देना चाहता हूँ उनको अनुसूचना करने के लिए समय देना चाहता हूँ और समझ करके शास्त्र आधार पर अपने विनयता को फिर प्रकट करें और ये और तालियां बज गया उनके जो फॉलोअर थे बोले कितना दया है छोड़ कर दे फिर दे दे राजा उनको दंड मत दीजिए उनको जो पेंशन है उनको उनको दीजिए उनके पोस्ट में रखे रहिए वो अपने को रिफर करें अपने को बिना करें उनको नया और सबके टैक्स जो पंडिती टैक्स अभी इसी क्षण से ख़त्म कर दीजिए देर शुड बी नो पंडित टैक्स टू अन एनी पंडित ब्राह्मण को प्रसार कर ख़त्म कर दीजिए जो बाकी है उसको भी खत्म कर दीजिए जो और आज से कोई कलेक्शन करना नहीं करना नहीं सारे ब्राह्मण तो नाच गए बोल वाह 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 हमार वा, वा, बचा दिया और पंडित को छोड़ दिया और राजा ने तो अपने वचन के अनुसार राधा आधा राज्य दे दिया उससे राजा बना दिया जो भी हो जमुनाचार्य राज्य प्राप्ति हो गए मैं उसको और यमुनाचार्य के चरित्र का आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ तो इस प्रकार से वो महापंडित हो फिर नाथमुनि उनके शिष्य को भेज करके उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिए आध्यात्मिक ज्ञान देने के बाद गीता आदि सुन करके उनका फिर बुद्धि फिर आया था राज, राजा राजा बन गए थे राजपद से फिर मन हट गया राजपा छोड़ करके अब श्री में जाकर रंगनाथ के पाठ में भक्ति के अभ्यास किए महान भक्त हो चुके उनने कितने स्त्रोत्र रत्न लिखे हैं श्री यमुनाचार्य तो क्या हुआ जामुन रमन रामानुजाचार्य के ये में आते हैं रामाचार्य की प्रकट हो चुका था अभी जन्म हो चुका था उसके बाद में उन्होंने वही श्री परमंदर में उन्होंने अपने बाल्य शिक्षा को प्राप्त किए इतने प्रतिभा संपन्न थे कि बहुत कम समय में सारे वेद वेदांत के पांडित्य को साक्षात अनंत से सेसा बता थे तो उनको तो कुछ था नहीं तो लेकिन अभी उनको केवल चौदह पंद्रह साल ही हुआ था उनके पिताजी के शरीर ठीक नहीं रहता था तो इसलिए उन्होंने चाहे कि मेरे एक बेटा है उनको शादी करा दूँ तो उन्होंने एक बहुत सुंदरी ब्राह्मण कन्या को ब्राह्मणी कन्या को डाल करके उनके जिनका नाम था जामांबा उनको विवाह कर दिए विवाह कर देने के बाद कुछ दिन के बाद ही उनके देहावसान हुआ केशवाचार्य तो उनको बड़े दुख हुआ माताजी बड़े दुखी हुई तो उन्होंने अपने माँ अपने पत्नी को साथ में ले करके ये विलेज के पेरबंदर का अपने जमीन को सिमट करके इस सिटी में चले गए कांशीपुर राज्य जो राज्य कैपिटल सिटी कांशीपुर में जा करके के वहाँ एक मकान खरीद करके निर्माण करके वहीं रहने लगे और उनके जो बहन महादेवी जो दूसरे भी ब्राह्मण उनको भी बुला ले बोले एक क्वार्टर देकर उनको भी साथ में रहने लगे दोनों गोविंद और रामानुज दोनों क्लासमेट थे श्रीवंदन में वहाँ भी जाकर बोले हम हायर स्टडीज़ के लिए अब तो स्कूल स्टडीज़ पूरा हो चुका है हायर स्टडीज उनसे विद्या की बहुत इच्छा था और स्टडीज करने के लिए तो कांचीपुर कैपिटल सिटी में एक विशेष विद्वान का विद्यालय था जिनका नाम था जादव प्रकाश उन्होंने शंकर संप्रदाय के एक महाविद्वान पंडित थे आज भी जादवीय सिद्धांत करके अद्वित के पुस्तक रचना पाया जाता है तो ये जादव प्रकाश जो बहुत बड़े विद्वान पंडित थे शंकर अनुजाई तो उनका, उनका विद्यालय था कैपिटल सिटी कांची में तो उनमें उन्होंने एडमिशन ले लिए दोनों भाई गोविंद और रामानुज ने अभी सोलह साल की उम्र था उनका तो वहाँ पढ़ना शुरू हुआ तभी जमाने में गुरुकुल विद्या था कि गुरु पढ़ाने के बाद में गुरुजी की सेवा भी करना होते फिजिकल सर्विस करना होता है तो एक दिन के बाद है तो गुरु यादव प्रकाश ने दोपहर के बाद थोड़ा लंच के बाद लेटे हुए सो रहे हैं तो श्री रामानुज गोविंद और भी कुछ सात आठ लड़के उनके बड़ी मसाज कर रहे हैं शिष्य लोग उनके शरीर मसाज कर रहे हैं तो इस समय में एक शिष्य ने कुछ आज पढ़ाए थे छंदोग्य उपनिषद का कुछ मंत्र उसको समझ नहीं आ रहा था पूछने के लिए आया बोला गुरु एक मंत्र का अर्थ शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ आप कृपा करके बताना बोलो बोलो सोते हुए इसे मसाज चल रहा है बोला बोलो क्या बोलना तो बोला गुरु जी आपने छंदिज्ञ उपनिषद का मंत्र बोलते हैं कप्यासी अक्षिणी पुंडरी के वो अक्षिणी उसमें जो कप्यासम शब्द उसका अर्थ में समझ नहीं पा रहा हूँ तो यादव प्रकाश ने कप्यासम शब्द अर्थ करते हैं बोले कप्यासम मतलब कपी माने बंदर और आसम मतलब अधोभाग बंदर के पिछले हिस्सा जो से रेक्टम के पास जो लालिमा होता है तो जो में पुरुष हैं सूर्यमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा जो में पुरुष हैं उनके आँख बंदर के अधोभाग की जैसा लालिमा जुगता है उसको सुन करके वो तो अर्थ कर दिए उसको सुन करके रामानुज उनके पैर मसाज कर रहे थे उनके चित्त उनको हृदय संभल नहीं पाया बोले क्या कटु अर्थ है ये क्या असमंजुक्त अर्थ है।, है वो भगवान नारायण के चखु को इतने सुंदर आँख के साथ बंदर के अधभाग के साथ हैं? बंदर के अधभाग के साथ इसे तोड़ना किया जाता है वो उनके छाती बिल्कुल फटने लगा रो रो करके आंसू निकलने लगा गर्म आंसू निकलने लगा और जो पैर में आँसू निकल करके जो पैर में गिरा तो उनको लगा कौन रो रहा है देखे देखे कि रामानुज रो रहा है बोले क्या हो गया क्यों रो रहा है ना गुरु जी क्षमा करें आपका ये बिल्कुल अजुक्तिपूर्ण असमंजस्य अर्थ जो भगवान नारायण के आँख को इसी प्रकार के कटु कु, कु अर्थ से इसी प्रकार के उपमा देते बंदर का में सहन नहीं कर पाया मैं सहन नहीं कर पाऊँ मतलब तो छाती फट रहा है मैं तो रो रहा हूँ ये प्लीज मुझे क्षमा तो करना तो इसको सुन करके वो गुस्से हो गए उनके टीचर मूर्ख तेरा इस प्रकार वाक्य मेरे भी हृदय को बाधा पीड़ा देता है तू क्या मेरे से ज़्यादा होशियार समझ रहा है तू शंकराचार्य से बड़ा होना चाहता है क्या हा? मेरे अर्थ तुझे अच्छा नहीं लगता रोना आता है तू क्या अर्थ कर सकता है तुझे कुछ अर्थ आता है क्या ना गुरु जी क्षमा करें मैं छोटा हूँ आप मेरे गुरु जी लेकिन अगर आप आशीर्वाद करें मैं प्रयास कर सकता हूँ समीचीन अर्थ ये असमीचीन अर्थ है क्या समीचीन अर्थ सुनाओ तो सारे स्टूडेंट और आ गए सभी स्टूडेंट आकर स्कूल के बैठ गए पाँच सात मसाज करते बाकी सब आ गए ये लड़का क्या समीचीन अर्थ कर गया गुरु जी के साथ चैलेंज कर रहा है तो बोले गुरु जी कप्यासम का ऐसे भी अर्थ किया जा सकता है कंग मतलब जलम क एक क का एक शब्द है पानी जल और पी माने पीना कंग पीबती जो जल को पी जाता है वो है सूर्य कपी के अर्थ एक अर्थ होता है जल को सोचने वाले सूर्य आसम मतलब विकास करना विकासित अर्थ में आस आता है आस अर्थ तो जो सूर्य के द्वारा विकसित या प्रस्फुटित कमल तो ये पूरा कृपया अर्थ होगा ये सेंटेंस का कि जो स्वर्णिम पुरुष नारायण के चक्षु हैं आँख है ये सूर्य द्वारा प्रस्फुटित विकसित कमल के जैसा सुंदर है सारे बच्चे ताली बोलते वाह वाह या क्या खूबसूरत उपमा है अरे उनको तो पूरा आग जल गया गुरु जी का बच्चे भी से पसंद कर लिए तो बोला ये गौण अर्थ है मुख्य अर्थ नहीं है तो क्या शंकर अर्थ से ज़्यादा बड़ क्या हो गया गलत अर्थ है तो रामन जी चूब है कुछ नहीं बोले आप गुरु जी जैसे कहें लेकिन ये अर्थ समीचीन मुझे लगता है तो बाकी सारे स्टूडेंट उसने टीचर डांट दिया कुछ बोले नहीं चले गए उस दिन अब मसाज खत्म हो गया नहीं मसाज में गेट खत्म फ्रॉम गया गुस्सा हो गया बड़ी मसाज करने स्कूल चले गए लेकिन मन में सोच में रहा ये तो खतरनाक है आगे चल करके लगता है कि मेरा स्कूल को बदनाम कर देगा ये संकर्ष पद्धति को बदल डालेगा पता नहीं ये कौन समतवाद के ही इतने छोटा सा लड़का सोलह साल का ये मत को खंडन कर दिया मन में थोड़ा उनका डाउट लगा कुछ बोल नहीं सकते गुस्से थे अब एक हफ्ता के बाद ही स्कूल में तैतरीय उपनिषद का एक मंत्र को उन्हें अर्थक पढ़ा रहे थे तैतरीय उपनिषद मंत्र आते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तो उसको अर्थ करते हुए श्री ज़्यादा प्रकाश ने बोले जो ब्रह्म है वो सत्य स्वरूप है, है, है उनका स्वरूप सत्य है वही ज्ञानमय है वो आनंदमय है उनका स्वरूप आनंद है उनका स्वरूप ज्ञान है उनका स्वरूप सत्य है वही उनकी पहचान वही वो है तो उसको सुन करके तुरंत अब गुरुजी गुरु जी आप जिस क्या ना इसे कैसे कह सकते हैं ना क्या कहना चाहते हो ना जो ब्रह्म है जो भगवान है परम ब्रह्म उनके एक गुण होता है सत्य उनका वो तो सत्य धर्म विशिष्ट है वो तो असत्य धर्म विशिष्ट नहीं है वो ज्ञान धर्म से धर्मी है वो अज्ञान धर्म नहीं है वो अनंत धर्म से धर्मभुत है उनके वो सानंत नहीं अंत नहीं है उनका तो ये उनके गुण होता है ये उनके धर्म है उनके स्वरूप को हमें इसे कहना ये समीचीन नहीं है जैसे हम कहेंगे मैं ये देह हूँ सॉरी ये देह मेरा है लेकिन मैं देह नहीं हूँ ठीक इसी प्रकार ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ये मेरा है लेकिन मैं ये नहीं हूँ वो स्वयं उनके मालिक है जिसे हम देही देह का मालिक है देह उनका अधीन में रहता है ठीक है सो सत्यम ज्ञानम अनंत ये धर्म ये गुण है ये गुणी भगवान के गुण मात्र है उनको ही आपने वही मान लेना चाहिए जिसे अब समझ रहे ना जिसे हम देह को ही देही मान नहीं सकते हाँ ये मेरा देह है ठीक है लेकिन मैं देह नहीं हूँ ठीक इस प्रकार ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ये मेरा गुण है लेकिन ओ मैं स्वयं नहीं हूँ ओ मेरा धर्म या गुण है अरे सब बच्चे बोले क्या परफेक्ट बताया उन्होंने इस बात को सही है आप यादव प्रकाश ने तो बिल्कुल तिलमिला उठे इन्वेस्टिगेट कर दिए स्कूल से सर्टिफिकेट फाड़ दिए बोल गेट आउट हूँ तो नहीं पढ़ सकता हाँ स्कूल से निकाल दिए निकाल करके स्कूल बंद कर दिए कुछ अपने जो अपने गंभीर शिष्यों को बुलाकर बोले ये लगता है कि ये तो बहुत बड़े खतरनाक निकलेगा हमारे विद्यालय के ये तो हमको लगता है कि आगे शंकर सिद्धांत के विरुद्ध करेगा और बहुत बड़ा होना गुरु जी आप जैसे बताएं आप हमारे गुरु जी हैं हम आपके आज्ञाकारी हैं ना मैं ही सोचता हूँ क्या किया जाए ना उसको रष्टकृत कर दिए और उस विद्यालय में एडमिशन लेने नहीं उनको पढ़ाएंगे नहीं ना अरे मैं नहीं पढ़ाऊँगा मुझे सुनने में आया कुछ दिन के बाद ये सोचा ठीक है कर दिए चार दिन के बाद पता चला उन्होंने एक, एक किताब लिख डाला है इस तित्र उपनिषद के ऊपर व्याख्या ये सत्य मनंद के ऊपर बोले अरे फिर छाप दिया उन्होंने बोले बोले अगर मैं स्कूल से रटेड कर तो दूसरा स्कूल खोलने लगा हो तो फिर क्या करें गुरु जी ना कुछ उपाय सोचो जैसे शंकर संप्रदाय के कंटक को निष्कंटक करना है गुरु जी हम बिल्कुल आपके साथ हैं कुछ उपाय सोचा जाए ना उसको ना रहे बाँस ना बजे बाँसुरी वो रहेगा तो हमारे लिए विरोध है आज पूछला कल और कुछ करेगा कुछ करेगा तो हमारा तो बदनाम कर डालेगा मेरे स्कूल से सारे लड़का चले जाएंगे ऐसे अर्थ करेगा तो ना गुरु जी आप आज्ञा कीजिए ना हम चाहते हैं उसको बुलाते हैं फिर और कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे सदा के लिए निष्कंटक हो जाए ना बताइए ना हम उसको बुला के लाते हैं बोलते हैं चलो कोई बात नहीं जो हवा हो तो फिर पढ़ो और हम स्कूल का कई साल से एक्सकर्सन तो नहीं किया ना जानते स्कूल एक्सकर्सन होता है आउटिंग पिकनिक वगैरह करते हैं बोले इस बार हम एक्सकर्सन करेंगे और विश्वनाथ के दर्शन काशी विश्वनाथ काशी जाएंगे बनारस कहाँ हल्दी हुए कांचीपुरम देख वहाँ से पैदल में चल करें हज़ार साल पहले के बाद वो काशी विश्वनाथ गंगा स्नान करेंगे और काशी विश्वनाथ दर्शन कराएंगे यो अपने पिकनिक स्पॉट वही हुआ एक्सकर्स वहीं हुआ सब बोले वाह 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 तभी ज़माने में ऐसा नहीं कि अपने पंजा दो हमें गाड़ी बुकिंग करेंगे जाएंगे ऐसा कुछ सबको अपने अपने पैर में चल के जाना था कोई गाड़ी फाड़ी होता नहीं था हैं ना टू व्हीलर फोर व्हीलर थ्री व्हीलर कुछ व्हीलर नहीं होता था पैदल में जाना था और कोई होटल फुटल भी नहीं होता था धर्मशाला नहीं होता था तो क्या करेंगे सब अपना अपना खाने पीने सामान अपने कपड़ा लता लेकर के आओ कोई किसी को चंदा देखेंगे सब अपने पैदल में चलो सुबह हम चल के जाएंगे रास्ता में भी क्या करके जो भी खाएंगे जंगल में रहेंगे फिर चलते चलते एक डेढ़ महीना लगेगा पहुंचने में डेढ़ महीना लगेगा आने में तीन चार महीना का टीवी है और गंगा स्नान करके विश्वनाथ पूजन करके आएंगे सब खुशी हो गए सबको कंपलसरी जाना है आप सब रेडी हो गए डेट फाइनल हो गया मेनू वेन्यू डिसाइड हो गया अब जिस दिन जाना था सब खुशी में गोविंद और रामानुज दोनों ने अपने माँ से विदा लेकर के मान लो तीन महीना बेटे हम कैसे अलग से रहेंगे कैसे होंगे उनके पत्नी वाला मैं तो जा रहा हूँ माई के तीन महीने पति नहीं रहेंगे मैं क्या करूँ तो इस प्रकार रोध होकर के विदा लेकर के अपने अपने सब सामान लेकर के चल पड़े अब षड्यंत्र तो था कि क्या गुरुजी ने अपने मेन स्टूडेंट के साथ षड्यंत्र कैसे उनको रास्ता में मार डालेंगे जो भयंकर जंगल आएगा रास्ता में मार डाने बोले शेर फिर खा लिया और क्या कोई विश्वास नहीं करेंगे यही प्लान था अब चलते चलते लगभग 25 दिन करीब जा चुके थे और एक हफ्ता में काशी पहुंचने वाले थे जब विंध्याचल पर्वत के पास आ चुके हैं तो विंध्याारण्य भयंकर अरण्य था विंध्याचल के जो यूपी और एमपी महाराष्ट्र बर्डर में जो दंडका अरण्य विन्ध्याचल अरण्य बड़ा भयानक घना अरण्य था अभी बनारस के आसपास पहुंचने के लिए तो याद याद ये झारखंड आदि दंडकारारण्य उसके एरिया को मानते हैं विशेष अरण्य था इस अरण्य के बीच में और देख लिए कि और ज़्यादा देर एक हफ्ता में पहुँच जाएंगे गंगा जी किनारे काशी में तो बोले कि अभी ये बिहार जंगल है यहीं पर हमारा कार्य साधन करना चाहिए हाँ गुरु जी तो आज सबको अनाउंस कर दिया आज स्पेशल डे है संडे फिस्ट प्रोग्राम आज होगा अब फिस्ट होगा सब ये होगा ये होगा सब तैयार हो जा सब तो इसमें कुकिंग चल रहा था सब प्रकार कार्यक्रम चल रहा था उनको दिए थे बर्तन साफ़ करने का दायित्व सेवा रामाजु उनको बोले जाओ पास में दूर में तालाब है बर्तन साफ़ करो और बर्तन साफ कर लेकर आना तब फिर पर, परिवेषण शुरू होगा तो इतने में वो कोर कमेटी के लेकर मीटिंग कर, कर लिए वो बर्तन दूर में साफ़ करता है आप फटाफट जाओ वहीं पर उनको मार कर तालाब में फेंक कर आ जाना हम पिस्ट खाएँगे फिर जैसे डिसाइड हो रहा था करने के लिए गोविंद किसी काम से गुरुजी जी की पानी लेने गया था वो सुन लिया कि उनके भाई रामानुज के मर्डर के लिए बिल्कुल चक्रांत तय ता हो चुका है अभी जाने वाले हैं एक्शन के लिए अरे उनको तो इतने बुरा लगा उनको तो बिल्कुल डर गया बोले भाई को बताना होगा ये मार डालेंगे उसको इतने खतरनाक है तो दौड़ा सब पानी देखकर करके दौड़ा बिल्कुल दौड़ कर हाई स्पीड में गया जाप कोई रामानुज रामानुज भैया क्या हुआ क्या, क्या हुआ बेटा गोविंद बताओ जल्दी भाग जाओ भाग जाओ यहाँ से काढ़ा मत रहो क्यों नहीं ये आपको मार डालने के लिए प्रयान कर भाग जाओ यहाँ से सब मार डालेंगे अभी आएंगे अब बोला अरे बताओ तो सही ना नहीं मुझे मार डालेंगे वो तो बोल कर दौड़ गए फिर वापस चला गया अ रामानुज की बात सुन करके खड़े थे उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गया उनका धरती खिसक रहा है चारों तरफ ब्लॉकआउट अंधकार दिख रहा है क्या हो गया मैं सच में मार डालने आ रहे गोविंद झूठ नहीं बोलेगा मुझे तो मुझे जाना है रामानुज चले जाओ दूर से बोलता है तो भागा वहीं से बर्तन को फेंका हाथ धोया और भागा कुछ भी नहीं गामछा पहने थे भागे इस तरफ से पिकनिक पार्टी इस तरफ से मुंह करके भागे दोपहर का समय था भागते भागते पीछे नहीं देखे रास्ता में कितने कंकण पत्थर झाड़ी खिंकर सब पैर छिल जा रहा था किसने गिर के पड़ रहे थे लेकिन ये पहले जान बचे सही शरीर क्या देखे भागते ही जा तो उन लोग आए कुछ देर में मरने के लिए देखिए तामनुज नहीं चारों तरफ डाके चिल्लाए खुद को मिले ने जाकर गुरु जी बोला शायद देखो ये सिर फिर खा लिया उसको बर्तन ऐसे पड़ा है वो है नहीं चलो हम पाप से बच गए काम भी हो गया हम भी पाप से बच गए चलो बड़े खुश होकर के गए आपने आगे बड़े मार्चन के और यहाँ क्या हुआ सारे दोपहर रात भर भी दौड़ते रहे कंटिन्यूस ओवर नाइट दौड़ते रहे दौड़ते रहे इतने भय लगा था दौड़ते दौड़ते जब रात्रि के अंतिम प्रहर हुआ भोर भर में इतने टायर्ड हो चुके थे इतने क्लांत स्रांत इतने थके मांदे हो चुके थे खाए भी नहीं था ना अभी पिकनिक फिस्टिंग होने वाला था एक जगह पर आकर पेड़ के नीचे पड़ गए सेंसलेस हो गए सेंसलेस की तरफ़ पड़ गए बिल्कुल शरीर से रखता था इतने थके हुए थे पड़े उनको ऐसी नींद हो गया कि पता नहीं चला कि बिल्कुल दो पहर से ऊपर हो चुका है सूर्यास्त होने का समय हुआ तब तो खोले देखते हैं सूर्यास्त हो रहा है अब इतने में कहाँ मैं किधर हूँ कोई दिशा ही नहीं पता चलता कहाँ से आया किधर जाऊँ कौन दिशा किधर एक भयंकर जंगल के अंदर पेड़ के नीचे पड़े हैं इस अवस्था में दूर से देखे कि एक व्याध दंपति व्याध मतलब एक व्याध समझते ना शिकारी वन्य जंगल के जो शिकारी होते हैं शेड्यूल जंगली होते हैं जंगली शिकारी और उनके शिकारी के वाइफ वो धनुष बाण आदि लेकर के तर्कस और मृगचरम पहना हुआ है ऐसे करके बिल्कुल निष्ठुर दिखाई पड़ रहे वो आ रहे थे लड़के उन लड़के को देखे अरे ये लड़के कौन इधर पड़ा है उनके ओर आने लगे वो बोला पता नहीं इसे शेर खाएंगे वो मार ना डालें ऐसे आ रहे जैसे हाथ जोड़ कर उन। तो उनको पूछे तुम कौन हो बालक मेरा नाम ऐसे है कहाँ से हो नाम है कांचीपुरम से कांचीपुरम हम भी कांचीपुरम जाना चाहते हैं यात्रा में हाँ मैं कांचीपुर आऊँ कहूँ ऐसे ऐसे ना अब बोले नहीं कि षड़यजंत्र के साथ है। कोई बात नहीं बालक क्यों ना मैं ऐसे ऐसे किसी कारण से रास्ता भटक गया कांचीपुर जाना चाहता हूँ जंगल में रास्ता नहीं मिला है पड़ा हूँ बहुत प्यासा हूँ पानी में नहीं पिया कोई बात नहीं भरे अभी शाम हो रहा है कैसे जाएगा ना कुछ नहीं पता मैं तो फंस गया जंगल में रास्ता भ्रमित हो गया कोई बेटा नहीं आओ बेटा प्यास है ना कुछ खाया नहीं तो उनको थोड़ा फल दिए खाने के लिए बोले चले चलते हैं अभी पानी पिलाएंगे तो फल और जल दिए लेकर जो अपने पास जल था जल पिलाए और फल दिए खाने के लिए उनको साथ में चलो हमारे साथ हम भी कांचीपुर जा रहे हैं थोड़ी समय जहाँ तो वह शाम हो रात हो गया जंगल के अंदर रात में अब जाना नहीं बोले काल सुबह चलेंगे और तो बहुत दूर है अजित तो यहाँ तक आए और क्योंकि पच्चीस दिन ऑलरेडी देश तो कर चुके थे उन्होंने इतना दूर आ चुके थे तो उन्होंने जंगल के बीच में चारों तरफ आग जला बोले सूखा लकड़ी पत्ता सब लेकर आओ आग जला करके बीच में जंतु आ जाएंगे रात में कोई मारना ना डाले तो इसलिए चारों तरफ आग देकर कर प्रोटेक्टेड बीच में सोएंगे तो बीच में तीनों सज्जिया लगाए वो व्याध व्याध दंपति और उनके पास में रामानुज रात को विश्राम किए चारों तरफ आग जला करके फल फैल तो सुबह अभी हुआ नहीं था वही ब्रह्म मुहूर्त के समय में उसको पत्नी को प्यास लगी व्याध पत्नी उठी उनको उठाई उठाकर बोले अभी सुबह नहीं हुआ मुझे बड़े प्यास लग रही है प्यास लगी पानी की व्यवस्था करो तो उन्होंने उठाया उनको लड़का को ला लड़का उठ दे माता से माता जी को मेरी पत्नी को प्यास लग रही है ये थोड़े दूर जाना इसी पास में यही जाना यहाँ के कुआँ है इस कुआँ से पानी लेकर के आओ तो उनको एक पात्र दिया पानी लेकर के आओ वहाँ से उनको पानी पिलाना तो उनके आज्ञा पालन करके उनको कृतार्थ है कि मुझे साथ में लेकर जा रहे गया पानी लेने के लिए जा करके देखा कि बड़े सुंदर कुआँ हैं लगता था वो पानी देख निश्चल निर्जल पानी देख करके निर्मल पानी देख कर खुद पिया पिया कर मुँह मुँह धोया मुँह फूँ धो करके पानी पिया पी करके फिर वो पात्र में पानी भर के उठा कर ले है ही नहीं वो दोनों दोनों जहाँ सोए तो है ही नहीं इधर उधर देखा आवाज़ किया पर परिचित कहाँ चले गए कितने वापस तब तक देखा देखे इधर ढूंढ ढूंढ करके बोला क्या करूँ चलो है में करूं? इतने में क्या करूँ इतने में जा रहा था देखा कि सूर्य उदय होने वाला मैं सुबह सुबह होने वाला है प्रभाती आ चुका था तो देखा कि कहाँ में आ गया किधर है दो लोग जा रहे थे रास्ते में उनको पूछा प्रणाम करके वहाँ से बताएंगे ना क्या मैं कांचीपुर के रहने वाला हूँ कांचीपुर जाने का रास्ता वो दोनों को देखने लगे क्या हो गया तेरा ना क्या अरे तू लगता तो है तू ही कांचीपुर का लड़का ना हम कांचीपुर का हूँ अरे तो कांचीपुर को नहीं पहचानता है यही तो कांचीपुर है यही तो कांचीपुर है यही तो तू कुआ के सामने ही को शाल्यक वरदराज भगवान के मुख्य पवित्र शाल्यकुर को पे ही नहीं जानता तू अब तू कांचीपुर पूछ रहा है अरे बाप रे बाप हो तो बोला कि मैं कांचीपुर पहुंच चुका हूँ मतलब हाँ तो इतने खुश हो गया ओवरनाइट 25 दिन का टूर <laughs> ओवरनाइट कर तो समझ गई ये निश्चित रूप से भगवान है यही मेरे इष्ट देव लक्ष्मी नारायण होंगे और कोई नहीं मुझे लेकर आ गए मुझे सहायता करने के लिए जब बोले कि बरदराज के शाल कुप है तो वरदराज के मंदिर तो डेली आते थे क्योंकि कांची पुर्ण के साथ उनको फ्रेंडशिप था कांची पूर्ण जब पुजारी थे तो उन्हें दौड़ कर गए बरदराज मंदिर दर्शन किए और अपने घर मंदिर के पीछे ही था तो मंदिर गए और इतनी कांतिमती दो दिन से नहीं खा रहे थे तीन दिन से खाना छोड़ दिए थे उनको इतनी खराब लग रही थी पुत्र के अभाव में पुत्र चिंता में इतने शोक में थी खाना पीना छोड़ दी थी इस कारण जो उनके जो सर्वेंट थी महिला जो घर के काम करनी वो नहीं तो माता जी तो कुछ खाती पीती नहीं है भोग भी नहीं लगाती क्या करना तो वो भी छुट्टी लेकर गई थी बहुत तो मायके में थी तो वो तीन दिन से खाना बिल्कुल जी न सिर्ण जूस फास्टिंग में नहीं फुल फास्टिंग में थी <laughs> तो, तो उन्होंने थी इस अवस्था में रामानुज पहुँचे माँ माँ अरे वो तो जिस मुर्दा के अंदर जान आ जाए दौड़ धूंढ कराए क्या रामानुज का शब्द सोच नहीं पा रहे तीन महीने के ट्रिप में गए था अभी तो तीन हफ्ता ही हुआ कैसे आ गया जाके देखा रामानुज और ये जैसे जान आ गया शरीर में ऐसे आलिंगन कर लिए मथा सूंघने लगे चुमन करने लगे बेटा कैसे है क्या है रामानुज ने तुरंत एक सांस के साथ सब बोल गए सारे घटना बोल गए कैसे हुआ क्या हुआ अब तक उसको सुन करके माता कांतिमपन के पूरा शरीर रोमांचित पुलकित हो गया बोलो भगवान नारायण तुझे रखा किए लक्ष्मी नारायण तुझे रक्षा किए ना तुझे तो रखा किए इसे षडजंत्र को सुंदोर द्वारा लिंगन किए सोच रहे थे क्या करो मैं तीन दिन से भगवान को भोग भी नहीं लगाया भोग नहीं लगा आज मैं इतने प्रसन्न हूँ आज मैं भोग लगाऊंगी आज भोग लगाऊंगी भगवान को अभिषेक कराऊंगी आपके इसे बंचे रख्या किए मैं अवश्य भगवान को स्पेशल अभिषेक करके भोग लगाऊंगी लेकिन घर में कुछ सामग्री नहीं है लकड़ी नहीं कुकिंग के लिए चावल घी आटा कुछ नहीं है सामग्री करने के लिए दूध दही भी नहीं है कैसे भगवान की पूजा करूँ क्या करूँ किधर करूँ ठीक इसी समय में भगवान की इसी योजना है जो उनके बहन को जाकर जो उनके मेड सरमेंट थी दूसरे गांव में उनके बहन महादेवी को बताया कि कांति मंत्री ने तो अन्न जरूर त्याग करके तीन दिन से मरने के लिए बैठी खाना पीना छोड़ दी मैं भी आ गई बहू भी घर में नहीं है तो उसको सुन करके उनके सिस्टर जो है गोविंद की माँ उन्होंने सारे सामग्री ले करके और अपने बहू को भी बुला लिया चलो तो तेरे सांस में सुना कि तीन दिन से फास्टिंग है उनको भी ले करके सारे सामग्री के साथ घर में आकर पहुँचते हैं वो तो मन में सोच रहे मैं पूजा करूँ इस अवस्था में आकर देखा कि उनके सिस्टर महादेवी और उनके बहू जमामा और उनके जो सर्वेंट और सारे सामग्री लड़की लकड़ी और चावल आटा और घी दूध दही और सामग्री सब लेकर के आके पहुँचे अब पहुंचे तो ये आकर पहुंचा है रामानु अरे रामानुज तू कैसे आ गया इतने दिन टूर खत्म हो गया गोविंद कहाँ है क्या है तब फिर बताने लगे और सब अरे सब खुश हुए तो बढ़िया से रूप से भगवान लक्ष्मीनारायण के अभिषेक हुआ उनको पूजा की और फिस्ट बना करके सब मिल करके उनको भोग लगा बड़ा प्रसन्न खाए इतने खुश हो गए इतने खुश हुए सब परिवार सब साथ में रहने लगे बचा दिए तुझे भगवान ऐसे घर में तो उन्होंने रामानुज डिसाइड किए तो गुरु जी गए तो फिर कांचीपूर्णा कांचीपुर्णा के बारे में थोड़ा बता दूँ कांचीपूर्णा एक शूद्र परिवार में जन्मा थे लेकिन जन्म सिद्ध बरदराज के भक्त थे उन्होंने भी उनके शिष्य थे जमुनाचार्य के शिष्य थे जमुनाचार्य ये नहीं देते थे कि ब्राह्मण है इनको शिक्षा दिखा दूँ जो ब्राह्मण है वो सबको दिखा देते थे सबको शिष्य पर स्वीकार करते थे भगवान के स्वभाव लगाने के लिए उन्हें बदराज मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे लेकिन बदराज को पानी ला कर देते थे बाहर से कभी पाने तो पंखा झेलते थे और इतने निष्कपट निस्वार्थ सेवक थे कई दूर से उनका गांव था वहाँ से चल कर के आते थे चल कर के आते के वरदराज के पास रहते थे मैक्सिमम टाइम वरदराज के स्वभाव में रहते थे बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित भी उनको सम्मान करते थे जद्दी पे शूद्र थे लेकिन ब्राह्मण लोग भी उनको मानते थे हमसे बढ़ कर के वो है यही से भगवान के सेवक है निष्कपट सेवक है यहाँ तक कि वरदराज भगवान उनसे बातचीत करते थे भगवान के साथ बातचीत करते थे कांचीपूर्णा इतने उच्च कोटि के भक्त थे तो इसको सुन करके उनके भक्ति भाव को देख करके रामानुज सोचते थे ये मेरे गुरु पदवाच्य है मैं उनका सेवा करूं लेकिन उनको जाए प्रणाम करने के लिए प्रणाम मत कर तू तो ब्राह्मण है मेरे से बड़ा है जाते तू तो बड़ा मत तो उठा लेते थे उनको तू तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है पंडित है तो लेकिन रामानुज बोले मुझे ऐसे कपट कर रहे हैं ठाकुर जी के सेवक है मैं ब्राह्मण हूँ जात से क्या मतलब है तो एक दिन बोले कि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो एक दिन उनका मुझे प्रसाद लेना पड़ेगा मैं शास्त्र में पढ़ा पढ़ाऊँ कि भक्तों के प्रसाद से भक्ति प्राप्त होता है तो मैं एक दिन वो प्रसाद तो देते नहीं उनके झूठन खाने के लिए तो एक प्लान किए इसी बीच में उनके माँ के देहात तो हो गया कांतिमती मती के देहात हो गए और रह गए केवल पति पत्नी दोनों जमा हुआ तो इसलिए सोचे कि क्या करूँ बड़े रहते हैं और इसी बीच में स्कूल तो जा नहीं रहे थे अपने प्राइवेटली पढ़ते थे और कांचीपुर्णा के पास जाते थे उनका एक सेवा दिया था कि डेली पानी लाओ एक स्वर्ण कलश भर करके पानी वरदराज के सेवा के लिए लाते थे यही उनका सेवा था बाकी उनके पास बैठ करके चर्चा कर करते थे भक्तिगत कर। तो उनको इतने उनके प्रति सम्मान भाव भक्ति भाव आ गया सोचे कि एक बार घर में बुला कर उनको भोजन कराऊं और भोजन कर में जो अवशेष मिलेगा उसको खाऊंगा तो मैं से कुछ कृपा तो प्राप्त होगा उनका तो इसलिए एक दिन उनको इन्वाइट किए बोले गुरु जी कांचीपूर्णम ऐसा हमारा घर में भोजन के लिए एक दिन आइए तो राजी हो गए बोले हाँ आपके घर में आऊँगा अवश्य आऊँगा डेट फिक्स हुआ आज के दिन दोपहर में भोजन रामानुज घर में कांचीपुरम आएंगे तो अपने पत्नी के आकर बोले कि आज कांचीपूर्ण महाशय मुख्य पुजारी आएंगे कांचीपूर्णा हमारे घर में आएंगे खाने के लिए अरे भरद्राज कृष्ण ना भक्त है लेकिन शूद्र तो है उनका पत्नी बोला आप ब्राह्मण कैसे बोला अरे तुम बढ़िया सोना ठीक है आप बोलते हैं तो आपके हिसाब से मैं अच्छा खाना बनाऊंगी लेकिन और आप ठीक है जुक्ति नहीं की लेकिन मन उनका अच्छा नहीं लगा कि शूद्र को क्यों बुलाते हैं खाने के लिए तो कोई ब्राह्मण को बुलाते जो भी हो तो बारह बजे तक उन्होंने ने जो बढ़िया सा घर को साफ सुथरा किए सारे सामग्री लाए बढ़िया सा फिश बना रही है साउथ इंडियन डिश जमा मैंने बनाई तो बारह बज रहा है तो क्यों नहीं आ रहे मैं पहले से बुला कर लाऊँ उनको खिलाऊँ करके स्वयं बुलाने के लिए मंदिर में चले गए इतने में राजभोग आरती खत्म हुआ बारह बजे करके उन्होंने कांचीपुरन ने सोचे कि मुझे रमन बुलाया था मैं जाऊँ तो, तो मंदिर का नियम है मंदिर के पीछे तरफ उनका घर था तो मंदिर को हमेशा राइट में रख कर जाना चाहिए ये नियम है मंदिर के बड़े व्यक्तियों को दक्षिण में रखना रखिणा करना हो दक्षिण में रख कर के जाना होता है तो उन्होंने निकल करके और आप वरदराज मंदिर देखें वरदराज मंदिर का केवल परिक्रमा करेंगे टेम्पल का आउट कोटियाड़ का तो कम से कम तीन किलोमीटर होगा इतनी विशाल उनके आउटसाइड कोटियाड़ है तो इस कोटियार्ड से निकल करके उन्होंने राइट में रख कर के मंदिर को गए उनके पीछे और रामानुज घर से निकले उनको भी राइट रख कर जाना है तो उल्टी तरफ से वो जा रहे हैं उनको बुलाने के लिए अब इतने के तीन कम से कम डेढ़ दो किलोमीटर जाएं उनको मंदिर बुलाए फिर डेढ़ किलोमीटर आए उनको तीन किलोमीटर चल कर आए इतने बीच में रामानुज चले जाकर उनके है ना कांचीपूर्ण उनके घर में पहुँच चुके थे उनको बुलाने गए थे रामानुज घर में है तो उनका पत्नी आए अच्छा वो तो आपको बुलाने गए ना अच्छा अच्छा बुलाने गए ऐसा कर माँ मुझे मुझे थोड़ा जल्दी काम है प्रसाद बन हाँ प्रसाद रेडी है अब ना मुझे प्रसाद दे दो रामाणा ने जैसे बता देना मैं आया प्रसाद पाए हाँ हाँ तो बारंडा में घर में अंदर नहीं लिया बारंडा में एक किला के पत्ता डाल करके वहीं प्रसाद ऊपर से बाढ़ कर दे रहा था कोई छुएंगे नहीं कुछ मारा ना हो जाए तो इसलिए उनको प्रसाद दे वो बैठ करके प्रसाद पाए प्रसाद पाकर बहुत अच्छा प्रसाद है माँ मैं जा रहा रामादेव को बता ना मैं आके प्रसाद पाकर गया उठा कर अपने पत्तर जो झुठान था उसको उठाए गोबर ला करके उनको लीपे लीप करके पत्तर लेकर दूर से उनको गार्ड दे फेंक दे चले गए और चले जाकर इतने रामानंद जो आकर पहुँचे किसी पता लगे वो तो गए हैं आकर पहुँचे जमा मामा जा का अब आए थे क्या कंच प्रणाम वहाँ से आए थे हाँ आए आकर प्रसाद लेकर चले गए मैं तो लिप चुका हूँ देखो ना गोबर में लिप चुका हूँ अब देखते क्या कर रहे हैं ना कुआं के पास बैठ करके सारे बर्तन धो रहा है और जो खाना को सब गाय खा रहे हैं ये क्या कर रही है गाय खाना खा रहे हैं तो बर्तन धो रहे, तो रहे ना और क्या अब आपके लिए तो खाना बनाना है मेरे लिए खाना बनाना है मतलब न और क्या आप खाने से पहले वो आ गया इसी बोलते वो खाने से पहले वो शूद्र ने आ गया और मैं उनको खिलाया आपके कहने थे कहने से खिला पिला कर वो चले जाए तो वो पहले खा लिए तो सारे प्रसाद तो झुटा हो गया तो उसको मैंने इसलिए गौं को दे दिया और मैं बर्तन सब साफ़ कर रहे हूँ और दोबारा कुकिंग करूँगा आपके लिए आपको कैसे उनके अब प्रसाद खिलाऊँ जो वो खाने के बाद हम इसे नियम पहले हुआ करता आज भी इसे नियम है अगर आप पंगत में बैठे ब्राह्मण के समाज में अगर आप खाते खाते पहले उठ गए तो सारे जो खा रहे हैं सब आपके झुटन माना जाएगा झुट्टन खाने माना जाए तो इसलिए बड़े आदमी पहले उठना चाहिए बाकी सारे झुटन खा सकते हैं छोटे आदमी को पहले पंगत से उठना नहीं चाहिए नियम है तो इसलिए वो पहले खाकर चले गए तो सारे झुटन माना जाएगा तो आप ब्राह्मण है कैसे खाएंगे उसको रामा जो सर पिटने लगे हाय मैं जिसके झूठा खाने के लिए प्लान किया था वो पहले आकर खा के चले गए जो मैंने सोचा कि सड़े बचा होगा झोटा न उसको भी फेंक दिया और बर्तन धो रहा है बैठ कर मेरा दुर्भाग्य है और बोले क्या करूँ ऐसी पत्नी है उनको बोले तू नहीं समझ पाई यारे मूर्ख कहीं के अरे इतने बड़े भक्त है उनको इसे समझ रहे भक्त होगा तो क्या सुदृढ़त है भक्तों से क्या होता <laughs> अब क्या करे तो बहुत दुखी हो गए दुखी होकर के एक दिन जाकर के पूछे कांची बूढ़ मेरे साथ आप कपट कर रहे हैं आप मेरे बारे में थोड़ा पूछिए इस बीच में श्री यमुनाचार्य कांचीपुर आए थे दर्शन के लिए श्री यमुनाचार्य एक बार कांचीपुर आए आ, आ करके ना कांचीपुरम आए आकर भरदराज दर्शन के करंचीपुरम में दो है विष्णु कांची और शिव कांची राजा सब एड्स था तो शिव का शिवकांचा जाकर विष्णु कांची जो मुख्य बरदराज टेम्पल आया दर्शन करने के लिए बरदराज कोट यार्ड में रामायण से पानी लेकर जब आ रहे थे उनको देखे यमुनाचार्य इस बालक को देख करके बड़े प्रभावित हुए बोलिए इतने सुंदर रूप जुगुण जुक्त लड़के सेसावत आ रहे हैं बोले ये उचित आचार्य लगता है ये बालक कौन है तो उनके शिष्य लोग को पूछे बोले ये तो ज्यादा प्रकाश के शिष्य है ओह इतने सुंदर रूप रूपगोण विशिष्ट वाला ज्यादा प्रकाश शिष्य है तो मिलना नहीं चाहिए मिलने के लिए बुला था बोले ना ज्यादा प्रकाश मायावादी है अद्वैतवादी मैं उनसे मिलूंगा नहीं शंकर से, मिलूं से तो फिर लेकिन प्रार्थना करने लगे भरदराज को प्रार्थना के सूत्र गाने लगे इसी लड़का को बचाओ जाद प्रकाश से बचाओ ये क्या चला गया इसी संग में चला गया बचाओ उनको ऐसे प्रार्थना करके चले गए और उनको नहीं पता था कि जादव प्रकाश को त्याग दे चुके हैं करके जब रमनाचार्य को पता चला कि रामानुज ने जादव प्रकाश को त्याग दिए हैं तो बहुत खुश हो गए रंगनाथ को प्रार्थना की उनका एक मुख्य शिष्य महापौरण को भेजे बोले जाओ उनको बुला के लाओ मैं वृद्ध हो गया हूँ अब मैं उपदेश नहीं दे सकता हूँ और उनकी अंतिम अवस्था तो बोले जाके उनको बुला के लाओ तो महापुरुण को भेजे अब जमुनाचार्य की बिल्कुल अंतिम स्थिति बेड रिड अवस्था ओन बोले कि मैं केवल वही चाहता हूँ कि वही केवल समर्थ है रामानुज को बुला के लाओ गांडर्स देखो वो उनके सेवा में भरदराज की सेवा में कांचीपुर्णा के साथ रहता है उस बालक को बुला के लाओ उनके मुख्य शिष्य महाप्रुणा को भेजे तो महापुरणा और रंगनाथ से कांचीपुरम कम से कम छः सात दिन का पैदल की यात्रा है इतने दूर अब पैदल में आ रहे थे बुलाने के लिए गुरु जी बोले जल्दी लाओ मैं बैठाऊँ आप उनको करके जाएंगे सभी आशा करते कि बालक आएगा उन्हीं कुछ सारे सत्ता ज्ञापन करेंगे सब कुछ दायित्व दे करके वो परम धाम को जाएंगे तो इसलिए जल्दी जल्दी महापुराण खान में छोड़ जा रहे हैं जाके पहुँचे कांचीपुरम में और देखे वो तो पहचानते नहीं थे तो देखे कि वो पानी लेकर आ रहे थे तो सूत्र रत्न पाठ के सूत्र को सुन करके रामन जाकर बोले महाशय आप कौन है सूत्र कहाँ सीखे बोले मैं जमुनाचार्य के शिष्य हूँ जमुनाचार्य आए हैं जमुनाचार्य का नाम सुन के इतने खुश हो गए बोले आप कहो किस लिए आए हैं ना मैं आया हूँ रामाण मैं ही रामानुज तुम ही रामानुजो तुम तुम्हारे लिए मैं आया हूँ जमुनाचार्य जमुनाचार्य मुझे बुलान मिलने के लिए भेजे इतने खुश हो गए इतने खुश हो पानी के मटका को रख करके लोट पोट हो गए इतने आनंदित हो गए क्योंकि उनके अंदर ने यमुनाचार्य के बात उनके गुरु जी है ना कांशी सुन सुन करके हृदय में भरा हुआ था सहानुभूति जी को सुने कि वो स्वयं मुझे बुलाए बोले ये महापुरुष मुझे मिलना चाहते हैं मैं तो उनको आराध्या करके मैं गुरु करके मान चुका हूँ अभी चलेंगे थोड़ा एक मिनट वेट के दौड़ कर गया जाकर पानी मंदिर में रख दिया दौड़ कर आया बोला अरे घर में नहीं बताऊँ ना गुरु जी कर्म से बाद में पहले भगवान और भक्त के काम बाद में गृहकर्म अब भी चलिए वहीं से चल पड़े किसी को बिना पूछे चल दिए उनके साथ में जल्दी जल्दी चल कर जा रहे थे चलते 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 आ करके कावेरी नदी के पास पहुँचे कावेरी पारी करते ही रंग क्षेत्र है कावेरी नदी के पास पहुँचे देखे कि नदी के उस पार बहुत लोग समागम हैं बहुत लोग मिले हुए हैं तो समझ नहीं पा रहे इतने लोग भीड़ क्यों कावेरी तट पर क्यों है तो नाव में पारी करते समय किसी को पूछे भैया ये क्या आज कोई मेला तो नहीं है न क्या आपको पता नहीं अरे आप तो वहापुर ना आपको पता नहीं क्या हुआ न अरे आज सुबह सुबह तो संपूर्ण धरती आपने विशिष्ट अलंकार से रहित हो गया ना क्या ना अलबंदार परमधाम प्राप्त कर गए अलवंदार में यमुनाचार्य अपने परमधाम चले गए अरे इस बात को सुन करके जमुनाचार्य चले गए जैसे बात सुने दोनों ही सुने जमुनाचार्य ने तुरंत रामानुज ने तुरंत गिर पड़ मूर्छित होकर गिर पड़े और महापुरु ने सर पीट करके रोने लगा पागल हो गए अरे गुरु जी यही इच्छा था कि आपका इसीलिए मुझे आपसे भगा दिए मुको देख नहीं पाया अंतिम समय मुझे भगा दिए ये क्या हो किए रोने लगे घंटे भर व्याकुल होकर रोने लगे वो तो मूर्छित पड़े थे उठ करके बोले रोने से क्या होगा कम से कम उनको उठाए बोले उठ तो उनको सचेत किए बोले देखो वो तो जो हुआ हमारे महादुर्भाग्य है रामाण जी रो रहे मेरे इसी दुर्भाग्य है कांची कांचीपूर्ण भी ऐसे करते हैं ठाकुर जी क्या हो गया ए गुरु जी को भी देखने देखने भी नहीं ना लेकिन सब उनके दर्शन नहीं कर पाया समाधि गर्भ में उनके शरीर लीन होने से पहले अंतिम दर्शन देह दर्शन तो कर लो अभी समाधि हो रहा है तो देह दर्शन कर लेते तो बिल्कुल गंभीर हो गए नाव पार कर गए भीड़ के बीच में देखे हजारों हजारों संख्या में क्योंकि पूरे इस प्रदेश में जमुनाचार्य बहुत बड़े प्रतिष्ठित ये थे अलवर थे तो सब हजारों के बीच में जमुनाचार्य के शरीर सोए हुए दीर्घ निद्रा में सोए हैं बिल्कुल तेज निकल रहा है शरीर से उनका उसके बीच में महापुरणा मुख्य शिष्य है और रामानुज बालक के साथ चले गए जाकर देख करके चरण को पकड़ कर रोने लगे महापूर्ण और जमुनाचार्य रामानुजाचार्य गंभीर होकर देखे आंख से धार धार आंसू बह रहा गंभीर होकर के उनके शरीर को दिव्य शरीर को देख रहे थे सारे उपस्थित जितने लोग थे हजारों सब टक उन लड़के को देख रहे हैं किसको रामानुज को देख रहे बालक क्या देख रहे हैं जैसे लग रहा है सभी लोग जो फील कर रहे थे जैसे दोनों के बीच में कुछ साइलेंस बातचीत हो रहा है बिना आवाज़ में बातचीत हो रहा है जैसे ये उनको कुछ बोल रहे हैं ये उन कुछ बोल रहे हैं ऐसे बातचीत हो रहा है सब निस्तब्ध सारे साइलेंट थोड़ी देर में रामानुज निरवता भंग करके बोले महानुभव मैं देख रहा हूँ महाशय के मेरे आराध्य देव के शरीर के उनके दक्षिण हाथ का दहिण्य हाथ के तीन अंगुली ऐसा है मुट्ठी बंद है वो दो हाथ ऐसे खुला है इसे मैं जहाँ शास्त्र से जानता हूँ उपदेश से कि जब मनुष्य जन्म होता है मुट्ठी बांध कर आया तो उन्हें कर पसारे जाओगे हाथ पसारे जाओ क्योंकि जन्म होता है शिशु कब जानते हैं ना जन्म होते समय मुट्ठी बंद होता है मरते समय हाथ खुला होता है तो ये तो ये शरीर में उनका हथ एक तो खुला है बाएं हाथ का दक्षिण हाथ के तीन अंगुली ऐसे मुट्ठी बंद कैसे है खुला होना चाहिए क्या उनका जीवित अवस्था में हाथ ऐसे इस ऐसे रहता था, था क्या सब बोले ना हम तो खुद देखें वो तो कैसे बोल उनका हाथ तो आज नॉर्मल था ऐसे तो मुट्ठी बंद नहीं रहता था ये सभी आश्चर्य होकर देख ले सब उनको देख रहे उनको देख रहे हम किसी ने मार्क नहीं किए हैं गुरु जी कहे ऐसे कैसे है तीन अंगुलसे इतना ही होना चाहिए सब आश्चर्य होकर देख रहे थे फिर आश्चर्य निर्वता को भंग करते हुए बालक रामानुज ने प्रतिज्ञा करके घोष घोष सूर वाले उनकी घोषणा करते हुए मैं श्री रामानुज मेरे आराध्य देव श्री जमुनाचार्य के ये सिद्ध शरीर के सामने और आप सभी की उपस्थिति में कावरी तट पर खट कर घोषणा करता हूँ कि मैं जीवित अवस्था में आपके इच्छा को पूर्ति करती हुए जितने इस दक्षिणात्य में श्रद्धालु पंडित ब्राह्मण जन है जितने श्रद्धालु लोग हैं सभी को संरक्षण प्रदान करूंगा वैष्णव विष्णु मत में रह करके शरणागत धर्म को सिखाऊंगा पंच संस्कार युक्त दीक्षित करके शरणागत धर्म से उनको दीक्षित करा करके वैष्णव धर्म से शिक्षा दूंगा और संरक्षण करूंगा जैसे एक बात कहा प्रथम पद गया एक अंगुली खुल गया दो अंगुली वाक्य सब देख वाह एक अंगुली सीधा हो गया दूसरी बोले मैं दूसरी प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि आपके इच्छा के अनुसार सारे वेद वेदांत उपनिषद के सार सार को संग्रह करके आपकी इच्छा अनुसार मैं श्री भाष्य की रचना करूँगा वेदांत भाष्य की रचना करूँगा दूसरी अंगली खुल गया वही का अंगुली खुल गया सब और तटस्थ हो गया फिर बोला मैं अंतिम प्रतिज्ञा कर रहा हूँ जो हम हाँ वैष्णव विष्णुगण है जो पराशर जी के रचित विष्णु पुराण में जिसमें जीव ईश्वर और जगत का साक्षात स्पष्ट वर्णन है उसी के ऋणमुक्त होने के लिए मैं एक विख्यात वैष्णव को आपसे नाम से नामित करूँगा पराशर नाम से नाम करूँगा लास्ट अंगली भी खुल गया इस घटना को देख करके उपस्थित सारे जनता और बोले कि निश्चित रूप से महंताई वही होंगे वही महंत बनेंगे समाधि के बाद उनके पगड़ी बांधा जाएगा हाँ और इतने जैसे सब ताली मारे हम हाँ, सब जयकार करने लगे और समाधि का एलरडी खोल हो चुका था समाधि में उनको बैठा चुके थे समाधि में देहलीन होने से पहले प्रणाम किए वहीं पर रामानुज और लौटने लगे रो रहे थे सब भोले अरे रुको रुको समाधि पूर्ण हो रहा है श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन करके जाओ जब आए हैं तो पहले बार इतने दूर से रामानुज घोषणा कर बोले मैं उससे अभिमान में चिल्लाते हुए रोते रोते बोले मैं आप ही ने कभी नहीं रहूँगा इस रंग क्षेत्र में मैं रंगनाथ भगवान को दर्शन नहीं करूंगा वो निष्ठुर भगवान है जो मेरे आराध्य देव को मेरे आराध्य स्वर को मेरे हृदय से छीन लिया मुझे उनके जीते जीते दर्शन नहीं करने दिया मैं पहुँचते पहुँचते मेरे से दूर कर लिया मैं उनको दर्शन कभी नहीं करूँगा इस निष्ठुर निर्मम भगवान को मैं जाता हूँ और तुरंत रोते रोते मुड़े अभिमान से होकर चल पड़े उनको कई समझाए समझा रहे नहीं चल अकेले चल आए अकेले घर वापस आ गए हफ्ता दिन का टूर था घर में आकर और गंभीर हो गए और एक घटना बीच में हो गया एक और भी घटना तो बीच में हो गया था ज़्यादा प्रकाश के साथ कांचीपुर का राजकुमारी जो राजा के राजकुमारी थी उनको एक भूत सवार हो गई थी ओ, ओ, बोलते हैं कि ब्रह्मराक्षस सवार हो गई थी ब्रह्मराक्षस ऐसे अड़िनारी भूत नहीं था तो कितने प्रकार के जो ओझा पोछा बुला कर, करते ना पूजा पूजी चढ़ाने के लिए भगाने के लिए नहीं हो रहा था तो अंत में किसी बोला है कि ज्यादा प्रकाश बड़े विद्वान पंडित है उनको बुलाने तो ज्यादा प्रकाश को राजा ने बुलाया ज्यादा प्रकाश आकर नाना प्रकार के सब उपाय कर लिया और ठीक नहीं हो रहा था एक दिन वो राजकुमारी राज ने राजकुमारी के अंदर जो आवेश थी ब्रह्म राक्षस ने उन्होंने बोली अरे यादव प्रकाश तू क्या मुझे छुड़ाएगा तेरे अंदर कुछ ताकत ही नहीं है तू क्या आ गया अगर तू मुझे छुड़ाना चाहते हो सब बैठे थे राजभवन वाले बोले अगर जो छुड़ा दो तेरा जो शिष्य है ना रामानुज उसको बुलाओ अगर ओ मेरे सर के ऊपर अपने सी चरण धर दे मैं खुशी खुशी से छोड़ के चला जाऊंगा खुद राजकुमारी बोलने लगी राजकुमारी मतलब अब रम्राक्षस बोलने लगी उनके शरीर से उसको सब सुने रामाजी ने, ने सुना कब ज्यादा प्रकाश भी सुना बोला मेरे शिष्य वो मेरा आंटी शिष्य उसी को बुलाएगा क्योंकि बीच में भूल गया कि तीन महीने के बाद जब ज्यादा प्रकाश वापस आए आप देखे कि अरे ये तो कंचीपुर में है बोले अरे कैसे जीवित है सारे स्टूडेंट बोले किसी जी भी थे क्या करे कोई किसी को पता ना चले उनके एक दिन बुलाए बेटा क्या बात हुआ ना नहीं और मैं बर्तन धोते धोते शाम हो गया था भूल गया और रास्ता आप चले गए थे मिला नहीं और गुरु जी माफ़ करो मैं आपसे जा नहीं पाया दर्शन नहीं कर पाया महात्मा अपने छिपा को बोले नहीं गुरु जी के दुख होंगे अरे कोई बेटा ना कोई बात नहीं तुम आओ मारो क्लास में हम तो ढूँढ के परेशान हो गए आपको हम बहुत हमारा पाप लग रहा था ढूंढ करके परेशान हो गए आपकी ओर से पूजा किए विश्वनाथ को आप आओ आओ तो उनको बुलाकर गोविंद नहीं आए कि गोविंद को गंगा में स्नान करके बाणलिंगम प्राप्त हुआ शंकर जी के लिंग प्राप्त हुआ तो सभी भक्त हो गए थे उन्होंने और रहकर शिव पूजा करने लगे काल हस्ती में रुक गए थे उन्होंने वो आए नहीं कंचीपुरम तो उनके माँ तो बोले थे तो शिवाडी शोकर रह गए सन्यासी हो गए तो फिर उनको ज़्यादा प्रकाश बुला करके पढ़ा रहे थे लेकिन दूसरा अवसर ढूंढ रहे थे क्या लें इसी बीच में एक घटना हुआ राजकुमारी की घटना जो भूत चढ़ाने के लिए राजकुमारी जो ब्रह्माख्या से बोली कि उनके बुलाओ तो ऑप्शन बुलाना पड़ेगा गुस्सा मत था लेकिन बुला पूरे भीड़ के सामने जब जब रामानुजा रामानुज बालक आए राजकुमारी मुर्शिद व्यवस्था बड़ी थी सब राजा ने खुद राजा ने बोले तो आप सर धरद जैसा थे यमुनाचार्य बोले कि बेटा उनके चरण धर दो तो जैसे आपने चेयर में बैठे अपने चरण को राजकुमारी के सर के ऊपर दे दिए तुरंत राजकुमारी मूर्छी खड़ी हो गई उठ बैठ करके बैठ गए उठ करके और ब्रह्म राक्षस बोला चले गए तो सब बोलने लगे बोले ब्रह्म राक्ष छोड़ के चला गया क्या प्रमाण है जा, क्या प्रमाण है तो रामानुज बोले हे ब्रह्म राक्षस अगर सचमुच आप छोड़ दिए दिया ब्रह्माक्ष बोला हाँ मैं छोड़ दिया ना छोड़ दिए तो अब चले गए छोड़ कर कुछ प्रमाण दिखाते जाओ ना ठीक है आप कहते हो मैं प्रमाण दिखाता हूँ ये राजभवन के सामने विशाल वट है वट सबसे मोटा शाखा जो अभी टूट पड़ेगा मैं वहीं जाकर बैठता हूँ सब देखते थे कोई आंधी तूफान कुछ नहीं टूट टूट कट 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 करके विशाल एक पेड़ टूट गया तो सब प्रमाणित हो गया फ्लू प्रूफ से ब्रह्मराक्ष्यस छोड़ कर चला गया राजकुमारी बिल्कुल आज नॉर्मल आज भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई सब उनके इतने पूरा राजा के फ्लाश आउट हो गया कि रामानुज इतने महान है इतने ही है ब्रह्म राक्षस उनको सम्मान करता है उनका तो फार एंड वाइड उनका बढ़ बड़ गया जमुना चो ज्यादा प्रकाश का स्कूल का गुडविल सार खत्म हो गया उनका और रहे नहीं सब धीरे धीरे वो दूसरा स्कूल शुरू कर दिए थे स्टूडेंट उनके पास जाने लगे वैष्णव मित्र से पढ़ाने लगे जमनाचार्य थे ज्यादा प्रकाश धीरे धीरे उनसे शिष्यत्व ग्रहण किए आपने छोड़ करके इसी बीच में जब एक बार किया हुआ चले गए तो जाकर के वो कर रहे थे एक बार उन्होंने जाकर पूछे दुखी होकर कांची कांची के कांचीपूर्ण बोले कांचीपूर्ण जी आपके साथ वरदराज बातचीत कर रहे हैं मेरे बारे में आप भगवान को पूछो मेरा कुछ उद्धार होगा या नहीं मेरा कोई गुरु होंगे कि नहीं जिसको मैं गुरु माना था गुरु तो मैं छोड़ के चले गए माता तो। कोई किसी के संरक्षण में प्राप्त करूँगा क्या तो एक बार उन्होंने जाकर पूछे बरदरा बरदराज को भगवान बोले कि उनको बोलो उनके लिए तो महापूर्ण आ रहा है महापूर्णा को से दिखा ले ले तो भगवान के बात उन्होंने कांचीपूर्ण बताया बोले महापूर्णा नहा <coughs> महापूर्ण से दिखा ले सकते हो तो ये बात सुनकर बोले मैं कल सुबह जा रहा हूँ महापूर्ण दिखा लेने के लिए मैं कल सुबह जा रहा हूँ रंग क्षेत्र तो चल पड़े सुबह निकल पड़े रंग क्षेत्र जा रहे थे तो वहाँ से वो लोग सारे मिल करके डिसाइड किए जितने और बच्चे कुछ शिष्यगण थे जमुनाचार्य के बोले कि देखो हमारे गुरुजी ने उनको डिसाइड किए थे अंत में उन्हीं कोई महंत माना जाए बाकी कोई ये संरक्षण नहीं कर पाएगा इतने कोई सामर्थ्य नहीं है तो महापुरुणों को भेजे कि आप जाओ आप पहचान है उनको बुला के लेकर आओ उनको हम महंताएँ देंगे तो महापुरुण अपने पत्नी वो दोनों आ रहे थे रामानुजी को बुलाने के लिए वो आ रहे थे हापुए में वो है ये हापुए है में बिल्कुल मिड सिटी एक मधुरान तक करके एक नगर है मधुरान तक में एक मन एक बहुत बड़ा तालाब है वहाँ पर रात रुके थे सुबह स्नान करने के लिए स्नान करके वापस आ रहे थे सीढ़ी में चढ़ करके तालाब से स्नान करके वो पति पत्नी महापर्ण उनकी पत्नी वापस आ रहे थे और वो रामानुज रात को वहीं रुके थे उनकी पता नहीं वो सुबह उठ के लेट में स्नान करने जा रहे थे स्टेप्स पर भेंट हो गया वो स्नान करके आ रहे हैं वो जा रहे हैं स्टेप अरे आप ना रहे आप कैसे ना मैं तो आपके पास आ रहा था मैं भी आपके पास आ रहा था किसी ने नाम दिखाया ले मैं नहीं मैं दिखा तो के लिए आ रहा था वो दिखा ले नहीं के लिए आ रहा था क्या मिलन बोले अभी मुझे दिखा दे अरे स्टेप में अब ना, है ना, ना नहीं गुरु जी आप ऐसा मत कीजिए देखा ना ये समय के ऊपर भरोसा नहीं है हम गए थे और अलबंदार ने हमको छोड़ के चले गए तो क्या भरोसा है टाइम का सुबह से शीघ्र अब भी इसी क्षण मुझे दिखा दे दीजिए वो यही स्टेप में अब जाओ मत वहीं गमछा पहन के मैं दिखा दीजिए बोले तो जाओ स्नान करके आ जाओ वो तुरंत डुबकी लगा कर आके बैठ गए तुरंत उनको पंच संस्कार दे करके वहीं दिखा दे दिया उनको दिखा तो लेकर बोले गुरुजी घर चलिए तो उनको बुलाकर पति पत्नी को लेकर गए कांचीपुर में रहने लगे और कांचीपुर में उनको सूत्र रत्न पढ़ाने लगे जो यमुनाचार्य के रची सूत्र रत्न को डेली एक एक श्लोक उनको पढ़ाने लगे सो था सौ श्लोक सौ दिन मतलब तीन साढ़े सवा तीन महीना वहाँ रहे इतने में डेली डेली उनसे सूत्र रत्न पढ़ते थे सुनते थे गुरु जी से तो इतने बीच में उनके पत्नी को भी दिखा दिला दिए दोनों पति पत्नी इंसिटेड हो गए जिस दिन उनका पूर्णांग हो, हो, हो रहा है तीन महीना पूरा हो गया तो सूत्र रत्न के शिक्षा का पूरा हो रहा है उसी दिन गुरु दक्षिणा के नियम होता है कि जिस दिन अंतिम दिखाया होता है ग्रेजुएशन श्री में उस दिन दक्षिण गुरु को दक्षिण देना होता है तो इसलिए रामाचार्य ने मार्केट गए आज बहुत कुछ लोग साड़ी लोगा गुरु माँ के लिए गुरु जी के लिए सब वस्त्र अलंकार दक्षिणा और सब देंगे और बड़ा फिस्ट करेंगे इसलिए सारे सामग्री इकट्ठा करने के लिए गए हैं कि आज फाइनल डे है सब करेंगे और उन्होंने मैं अपने इष्टदेव को पूजा करने के लिए उन्होंने तो अपने गुरु जी यमुना चतुप्रजा पूजा करने के लिए पानी लाने के लिए उनकी पत्नी महाप्रणव की पत्नी गई थी सेम कुएं में पानी लेने के लिए वो गई थी जामा बाबी रमान की पत्नी अब जाकर जब पानी निकाल रहे थे पहले ज़माने के कैसे कट्टर था पानी निकाल रहे थे उनका था आ, मिट्टी का बर्तन हुआ करता था पानी निकालते थे तो पानी निकालते समय में चांस जो महापूर्ण की पत्नी का जो बर्तन था उस बर्तन को टच कर गया आप कुछ देखें पानी उठाते टच कर गया तो गुस्सा हो गया अरे मेरा पानी बेकार हो गया तो कैसे मैं महाब्राह्मणी हूँ ऐसे हो तो और को ऐसे गाली दिया और मट मटका को फोड़ दिया बेकार कर दिया पानी सर गुस्सा होकर इतने गाली दे करके चला गई वो बेचारी दुखी हो गई आ करके अपने पति की बोले बोले आपके जो शिष्या है आपके शिष्य की पत्नी वो ऐसे मुझे अपंडेड किया सबके सामने क्या हो किस कारण ऐसे कारण ना ठीक है मैं समझ रहा हूँ बहुत जाती बात की वहां कारण के तो चले हम चल दे बिना कहे चुपचाप अपने बड़िंग उठा कर चल दिए रामा जो मार्केट से वापस नहीं आए वो वापस चले गए वापस ही रंग आ गए किसी को बिना बोले रामानुसारे सारे सामग्री लेकर आया घर में देखें गुरु जी गुरु जी नहीं कि गुरु माता नहीं क्या घटना हुआ और पत्नी ने बताया इसे वहा हमें यही से गाली दिया तारे तो रामानुज बोले दिस इज टू मच आई शुड टेक सन्यास तो रामानुज सन्यास लेने का विचार किए एक समय के भिखारी आया था कोई आकर खाना मांग रहा था घर में खाद्य था लेकिन उसको मना कर दी जमा जा तो जाकर थे कि खाद्य है क्यों नहीं दिया अनार उनको क्यों दो तो इतने में तो उनका घर के कोई आ गए गाँव वाले तो उनको प्रसाद खिला रहा था तो जमाने जो बोले मैं कैसे उनसे निकलूं तो एक बार उन्होंने प्लान करके चिट्ठी लिखे उनके ओर से जमा उनकी पत्नी के पिताजी की ओर से तभी जमा जमाने तो लेटर पोस्टल डिपार्टमेंट में था नहीं एक पत्र में लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ में भेजे कि उनकी पत्नी का उनके पिता का नाम ले करके कि जाकर बताना कि ये ऐसे ऐसे हैं और हमारा घर में कोई फेस्टिवल हो रहा है वो आए पत्नी सपत्नी का आए ना सपति को लेकर साथ में आए तो ये जितने पत्र पढ़ी जब मामा ने बोला बुला अरे आप जानते हैं पिताजी बुलाए हमको जाना है ये है यो है ना इसे हमारा कुछ काम है चलो मैं आ रहा हूँ ना आप कब आएंगे ना मैं दो दिन के बाद ना मैं जा रहा जाऊँ ना मैं जाओ सारे सामग्री उनको दी तुम जाओ सामग्री विदा कर दी ब्राह्मण के हाथ में और स्वयं रह गए जैसे गए तो ब्राह्मण जी अपना स्वयं संन्यास ले लिए बरदराज में जा कर के स्वयं अपने आप जैसे भक्ति प्रभु स्वयं सन्यास ले स्वयं जतिराज अपने आप सन्यास ले कर के और रंग क्षेत्र में चल पड़े अब पत्नी गई मायके वो स्न्यास लेकर चल पड़े तो इस प्रकार से उन्होंने सन्यास लेकर के गए और उसके बाद में रंग क्षेत्र में आए सारे सबको शिक्षा दे संग्रह प्रदान करते सभी लोग बोले ठीक है लेकिन जो मंत्र सिद्धि करने के लिए सेकंड इंसेशन लेना चाहिए आपको वो सेकंड इंसेशन देने का अधिकारी तो अलवंदार नहीं है उनके जो मुख्य शिष्य है पंडित शिष्य वो गोष्ठीपूर्ण है गोष्ठीपूर्ण से दिखा लेना पड़ेगा हूँ और गोष्ठीपूर्ण के पास गए गोष्ठीपूर्ण इतने सीवा सो स्ट्रिक्ट वो बोले कि नहीं आज नहीं अभी तो योग्य नहीं है जाओ नेक्स्ट टाइम आओ इतना सो प्रैक्टिस की योग्यता करके फिर दोबारा गए बोले नहीं अभी योग्यता नहीं हुई नेक्स्ट टाइम फिर दो चार महीने गए तो फिर बाद एटीन टाइम्स उनको रिजेक्ट किए योग्यता नहीं करके तो एक बार उन्होंने भरदराज से प्रार्थना की भरदराज स्वयं आदेश दिए उनको स्वप्न देश में गोष्ठीपूर्ण बोले अरे ये मेरा ही प्रतिनिधि है ये सबसे योग्य शिष्य उनको अपने से दे दो बोले गुरु जी आप ही ने बताए भगवान आप ही ने तो कहे कि ऐसे योग्य जी को देना चाहिए आप कैसे कहते हैं ऐसे तो उन फिर भी नहीं दिए लेकिन फिर भी सोचे बोले भगवान भी रिकमेंड कर रहे हैं तो देना चाहिए तो अंतिम समय नाइनटीन टाइम रामानुज गए जाकर बोले गुरु जी आज अगर आप मुझे अयोग्य मानते हैं तो मैं आज ही सुसाइड करूँगा क्योंकि मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है मैं जब इसके अट्ठारह बार डिस्क्वालीफाइड हो गया तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ लिविंग मैं जा रहा हूँ बोले रुको 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 ठीक ठीक अभी तेरे जगहता आ गया अभी ऐसे सुनो आप समझ नहीं रहे हैं इट इज सो सेंसिटिव सो गुह सिक्रेट सो पावरफुल मंत्र इतने आसान से थोड़ी देना होता तो अभी है, ना हो यार ओके okay, क्वालिफाइड तो उन्हें मंत्र दिए बोले ये मंत्र इतने पावरफुल है इतने गुहे मंत्र है, है कोई इस मंत्र को सुन ले वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगा उसका अच्छा तो फिर कान में सुख मंत्र दिए ओम नमो नारायण आया यही मंत्र के लिए इतने परेशान किए थे उनको तो उन्हें मंत्र प्राप्त करके इतने खुश हो गए इतने खुश हो गए आ रहे थे उनको मंत्र दे करके बोले देखो मैं बार बार आपको ये वार्निंग दे रहा हूँ इस मंत्र को कदा कश्मीन काले किसी को नहीं बताना गुरु मंत्र परम सीक्रेट गुह्य मंत्र है उसको केवल आप ही जप करो क्योंकि इस मंत्र को कोई भी प्राप्त करेगा वैकुंठ द्वारा उन्मुक्त हो जाएगा उसके लिए तो इसलिए बिना योग्यता में इसी किसी को नहीं दिया जाता योग्यता के बिना वैकुंठ नहीं तो इसलिए बड़े ध्यान रखो और अपना मंत्र करो मेरा आशीर्वाद है तो वहाँ से खुशी होकर विदा लेकर आए उस दिन ये पूर्णिमा था सारे लोग उसी जो क्षेत्र में त्रिकुकुट शहर में जो विष्णु मंदिर था मंदिर में हजारों संख्या में लोग भीड़ आ रहा था उत्सव के लिए भगवान के दर्शन के लिए इतने लोगों को समागम को देख करके रामानुज के मन में बड़ा प्रसन्न हुआ इतने सारे लोग आ रहे हैं भगवान दर्शन के लिए श्रद्धालु उन सब का तो कल्याण होना चाहिए लेकिन कल्याण कैसे होगा ये मंत्र राज तो किसी को पता नहीं है ये इतने शक्तिशाली मंत्र राज है अगर सबको मैंने बता दूँ सबको वैकुंड प्राप्ति हो जाए तो उन्होंने क्या किया तभी जबाना में अनाउंसमेंट करने का कोई फैसिलिटी साउंड सिस्टम नहीं था तो चढ़ गए यंग थे ना अभी बीस पच्चीस साल के मंदिर के शिखर पर चढ़ गए क्लाइम कर करके बिल्कुल भुजा जो ये के पास पता है ना चक्र के पास चढ़ के चले वहाँ जा के यही से अनाउंस कर बोले सभी सभा जितने ब्राह्मण गण जितने सदाचारी लोग सब सुनिए सारे श्रद्धालु लोग सुनिए सभी को वैकुंठ प्राप्त करना है आज ही भगवान विष्णु के दर्शन करके वैकुंठ द्वार उन्मुक्त हो जाएगा वैकुंठ प्राप्ति करना चाहते हैं कौन कौन वैकुंठ प्राप्ति करना चाहता है आपने हंस से आवाज़ हजारों लोग नर नारी सब हाथ उठ रहे ओ जय हो जय हो कौन है अब भगवान उतरे साथ किसी को पता नहीं था इतने तेजस्वी यंग लड़का हटात मंदिर के शिखर पर खड़ा होकर के ऐसे बोल रहा है बोले शायद भगवान उतर गए भगवान वही लांडिड हुए घोषणा कर रहे हैं उनका ऐसे उद्घोष सुर था इतना तेज था सभी जय जय कर हाथ उठाए हम सुन सब जाना चाहते हैं ना तीन बार बोला ये ये सब जाना चाहते हैं जय हो जय तो बोले ठीक है केयरफुली सब सुनिए सब साव, सावधान होकर सुनिए मंत्र को तीन बार मंत्र बोलता हूँ सब कान होकर सुनने लगे ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय तीन बार सबको उच्चारण करा और तीन बार उच्चारण करके पूरे परिवेश एक दो किलोमीटर सब वैकुंठ परिवेश हो गया इतने खुश हो गए इतने आनंद मग्न हो गए इतने वैकुंठ भाव गुजरा लैंडेड कर गया इट वॉज कम्प्लीटली वैकुंठ परिवेश तो नीचे उतर के आए सारे लोग उनको प्रणाम करना इतने उनके प्रति सहानुभूति हो गया दे और खबर जाके पहुंचा गांव में कि तुम्हारे अब भी अभी जो शिष्य को तुम्हें एटीन टाइम्स रिजेक्ट किया आज ही सिलेक्ट कर दिखा दिया था वो एक वो मंत्र को डिक्लर कर दिया पब्लिकली वो गोष्ठीपूर्ण आय परम क्रोधित होकर के अब तभी उतर आ चुके थे वो गुस्से में आ रहे थे कहाँ गया ना वो नालायक शिष्य मेरे अब गया क्या अब जाकर के वो चार पाँच शिष्य के साथ आ रहे थे तो देखे कि सामने रामाना राम प्रणाम किया गुरु जी माँपी माफ करे पदाघात के तू गुरु अवज्ञा पदाघात तू ऐसे किया मैं तुझे इतने ये करके वाणिंग देकर बोला तू क्या किया आपको पता है तूने क्या किया ना गुरु जी बिल्कुल पता है क्या पता है ना मैं गुरु अवज्ञा किया मंत्र सबको पब्लिकली बोल दिया इसलिए मैं नरक में नरक में हमारे मैं महानरक में अनिर्दिष्ट काल तक नरक में रहूँगा ना, ना, का ना तू जानते रहना गुरु जी अच्छी तरह से जानता हूँ जानकर तो मैंने किया मैं तैयार हूँ नरक में जाकर इतने दिन रहने के लिए लेकिन मैं एक नरक में जाऊँ ये हजारों श्रद्धालु तो वैकुंड चले जाएंगे ना इसके लिए मैं अपने आप को नरक जाने के लिए तैयार हूँ अरे बाप रे बाप सारे शिष्य गुरु जी जब ये बात को सुने उनका मुँह काला पड़ गया वो हाथ जोड़ दिए बोले रामानुज तू मनुष्य नहीं है तू सख्यात नारायण है तो गुरु जी सुन बोले तो इसके इतना बड़का उदार इतना दया तो नारायण के बिना किसी के अंदर हो नहीं सकता आपके अंदर ऐसा तो फिर पुष्टिपूर्ण स्वीकार के बोले नहीं ये तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है इस प्रकार आए तो इस प्रकार से फिर उन्होंने बहुत लंबी कथा है अब नहीं कहेंगे किस प्रकार श्री श्रीभाष्य उनने रचना की। श्री श्रीभाष्य के लिए बुधा न श्रुति प्राप्त करने के लिए काश्मीर आए थे काश्मीर से आ करके बुधा ने श्रुति प्राप्त किए थे रास्ता में बहुत लंबी घटना है कुरेश के साथ कैसा हुआ उनका किस प्रकार और अनेक अनेक हजारों उनके घटनावली है अब कहने जाएंगे कि तो और चार घंटा चाहिए तो इस प्रकार से उन्होंने पूरे जीवन काल पर्यंत सौ से भी अधिक बयस उन्होंने श्री रामानंद राम श्री रंगम क्षेत्र उनका हेडक्वाटर रहा वहीं रह करके प्रचार प्रसार किए लाखों लाखों संख्या में श्री नारायण के भक्त श्री संप्रदाय की स्थापना करके श्री संप्रदाय के पंच संस्कार वाला भक्त बनाए शरणागति उनके मुख्य धर्म था श्री नारायण की सेवा ओम नम नारायण उनके महामंत्र था और सभी को पदार्थ शरणागति की शिक्षा प्रपत्ति की शिक्षा दे करके इतने प्रसिद्ध हो गए थे रामानुचार्य अनेक अनेक भाष्य उनसे लिखा गया है अनेक मंदिर प्रतिष्ठा के बहुत प्रसिद्ध थे बहुत घटनावली हैं अंत में सौ से अधिक उम्र में उनका सौ साल करीब थे उनने डिसाइड किया कि अभी मुझे जाना है समय हो चुका है जितना मेरे करना था कर लिया और मेरे अनेक शिष्य जो बड़े बड़े और भी शिष्य प्रशिष्य ग्रहण किए हैं बड़े बड़े भाष्य भी लिखे हैं कुरेश दासरथी अनेक अनेक हुए पराशर तो उन्होंने अभी जाने के लिए डिसाइड किया जाते समय उन्होंने जाने से पहले जब डिसाइड किए मैं जाऊँगा सबको संबोधन किए कि बोले देखो अब ये देह को जाना है मैं तो आपको सब दे दिया शिक्षा के साथ तो उन्हें उनका जो जन्म स्थान महाभूत ऋषि परमंदर में यहाँ और एक सी रंग्र में दो पत्थर की मूर्ति बनाए वो जब जीवित थे मूर्ति बना करके दोनों मूर्ति में अपने आप को अविष्ट किए अपने शक्ति को प्रकाश किए फिर बोले अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि पहले जा पहले चले गए थे समाधि में सब लोग रोने लगे रोने लगे फिर वापस आ गए वापस आकर बोले कोई बात नहीं सुरेंद्र नहीं मैं अभी ऐसे करता हूँ आप लोग के साथ छोड़कर नहीं जाऊँगा तो पत्थर मूर्ति बनाकर दोनों जगह पर अपने आप को अविष्ट किए फिर समाधि में जाने से पहले चौहत्तर उपदेश रत्न सबको उपदेश दिए क्या क्या जीवन के अंतिम आदेश से उपदेश देने के बाद फिर अब आप यही जो प्रस्तर मूर्ति है मैं समाधि में जा रहा हूँ उनकी पूजा कीजिए और मैं अभिन्न हूँ वो दो मूर्ति एक तो श्री परमंदुर महाभतपुरी में है और एक मूर्ति श्री रंगक्षेत्र में है रंगनाथ जी में रंगनाथ जी के मुख्य स्थान पर है जहाँ वो बैठ कर उपदेश देते थे वो मूर्ति आज भी है वो रामानुज तो समाधि लिए इस मूर्ति समाधि पीठ पर उनका है ऐसे कहना मैं तो कई बार जाकर दर्शन भी किया उनका ऐसे जैसे भगवान रंगनाथ को सेवा करते हैं इससे कुछ कम नहीं रखते बल्कि उनसे ज़्यादा सतर्कता और सावधानी से उनकी सेवा करते हैं उस तो विग्रह को और कहते हैं कि वह साक्षात रामायण और उनके बोलते हैं कि नाखून आदि बढ़ता भी है अच्छा। नाखून बढ़ता है वो बातचीत करते हैं सख्त रामायण जो बैठे हैं ऐसा मानते हैं आप अगर ऐसे कुछ करेंगे बोले नहीं आचार्य बैठे हैं ऐसा तो नहीं आचार्य गुरु से बढ़कर भगवान से बढ़कर के ऐसा मान्यता है आज भी हैं और ज़्यादा लोग दर्शन वहाँ जाते हैं करने के लिए शिव भर मंदिर में और उन सख्यत की समाधि प्रस्तर समाधि लेकिन बोलते हैं उनका नाखून बढ़ रहा है आज ही टीजी उनके सेवा पूजा करते हैं तो इसलिए महाजनों के समाधि को कोई साधारण नहीं समझना चाहिए आज दे आर प्रेजेंट दे आर ऐसे मानना चाहिए तो ऐसे उनकी समाधि है तो आज भी हजारों साल बीत चुका है लेकिन श्री रामानुज संप्रदाय के हजारों हजारों वैष्णव हम देखते हैं श्री संप्रदाय के वैष्णव जिन्होंने बड़े कट्टर से निष्ठा भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजा कर रहे हैं और वही जो मार्ग बताकर गए हैं श्री भाष से लिख करके कि शरणागति ही वास्तविक धर्म है शरणागति और गुरु निष्ठा भक्त सेवा यही को बहुत बल दिए थे यही गुण को श्रीमान महाप्रभु ने उसके संप्रदाय से लेकर के हमारे संप्रदाय में लिए हैं शिक्षा के रूप में तो इस प्रकार श्री रामानुजाचार्य का बहुत बड़े अवदान है भक्ति को प्रचार करने के लिए शरणाक धर्म को प्रचार करने के लिए हम सभी के होने वाले भविष्य में जितने भी लोग होंगे भक्त होंगे सभी के लिए अविस्मरणीय उनके देन है उनके जो कृपा है तो तो इसलिए श्री चतर महाप्रभु रंगक्ष जा कर के वेंकट भट्ट के घर में चार महीना रुके थे और फिर इस प्रकार से कह दिए थे तो इसलिए आज रामानुजाचार्य की इसी आविर्भाव तिथि में उनको स्मरण करके उनके चरण में प्रार्थना करेंगे यही श्रद्धांजलि ज्ञापना करेंगे कि जिस प्रकार वो तो साक्षात से सावधार थे लेकिन उनकी शिक्षा और शरणागति की प्रपत्ति की जो शिक्षा दिए थे हमारे अंदर उनकी कृपा से ये शरणागति भाव और गुरु निष्ठा भक्त सेवा के निष्ठा कैसे हमारे अंदर प्राप्त हो यही उनके चरण में प्रार्थना करेंगे ये उनकी कृपा से उनको हमको प्राप्त हो यही श्रद्धांजलि ज्ञापन करके श्री रामानुजाचार्य जी की तो उनके आज क्लास पूरा एंड करते हैं